हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक कुमार एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर लेकर आया, जिसमें हम इंडियन फिजिकल एंड एनवायरनमेंट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो क्लास 11th की फर्स्ट बुक है, उसको अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ ये वाली बुक डिस्कस करूंगा। इन दोनों बुकों से अगर मैं बताऊं आपको, तो इन दोनों बुकों को कंबाइन करके अराउंड 13 to 15 क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ जाओ कि ये कितने इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स हैं आप लोगों के अपकमिंग CDS एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ सबसे पहले इंडियन फिजियोग्राफी डिस्कस करूंगा। इंडियन फिजियोग्राफी में जो हमारे डिफरेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन्स, आइलैंड्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, जो भी अलग अलग फीचर्स हैं, उन सभी फीचर्स को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा कि इसके में एग्जाम से में आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक होगा हमारा इंडियन ड्रेनेज। इंडियन ड्रेनेज में मैं आपके साथ हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है, हिमालयन और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में 3 रिवर, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरा, ये आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फिर बाद में मैं आपके साथ सॉइल्स इन इंडिया डिस्कस करूंगा, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स जो हैं हमारे जो रीजन में पाए जाते हैं, पूरे इंडियन रीजन में जो पाए जाते हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लाइक एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ सॉइल्स। लास्ट में नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, जैसे डेसीडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, ये सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं, ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें एक टॉपिक मैंने मिस किया है, जो कि अगला जो मैं ज्योग्राफी का लेक्चर लाऊंगा उसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्या क्लाइमेट इन इंडिया। और ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने बच्चों इसलिए किया है क्योंकि ये सारे जो टॉपिक हैं, ये बहुत ही हैवी टॉपिक्स हैं, और इन सबको अगर मैं आपके साथ इन सब के साथ आपको क्लाइमेट भी अगर एक्सप्लेन कर देता तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अगले लेक्चर में मैं आपके साथ क्लाइमेट इन इंडिया डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। एक और बात बच्चों, आज मैंने पीपीटी कुछ मतलब ये जो नोट्स है, पीपीटी है, ये मैंने थोड़ी डिफरेंट वे में बनाई। अगर आप लोगों को ये तरीका सही लगे या अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ऐसे ही मैं आगे ये रिवीजन सेशंस के लिए पीपीटी लाऊं, या फिर जो मैं पहले लाता था वैसे लाऊं। इसमें नया क्या है, नया इसमें ये है कि मैंने आपके साथ इधर जो भी टॉपिक है उसको रिवाइज करवाना। नोट्स मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा रखे, हमारे ऐप पर भी हैं, और जो पहले जो हमने फ्री लेक्चर सीरीज लाया था उन सब में नोट्स हैं। सेम नोट्स मैंने सोचा कि दोबारा क्या ही लिखना, तो उससे बढ़िया कि आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ टॉपिक्स, एक स्टोरी फॉर्म में समझाऊं, ताकि आपको भी याद हो सके और आप ज़्यादा नोट्स के वो माया जाल में ना फंसो। बाकी आपको जैसा लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ये वाला मेथड आपको सही लग रहा है तो हम ये कंटिन्यू करेंगे फॉर रिविजन सेशंस, नहीं तो पिछला वाला जो ऐसा मैं चल रहा था वैसे चलेगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते। इंडिया के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले इंडिया की लोकेशन पढ़ लेते हैं कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है, इंडिया हमारे मैप में दिखता कहाँ पे। तो इंडिया जो है बच्चों, नॉर्थन हेमिस्फेयर का पार्ट है। ये अर्थ है, अर्थ में इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसके ऊपर वाला जो हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, और इसके नीचे वाला साउथ में जो है, इसे हम सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। सो इंडिया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पार्ट। लैटिट्यूड एक्सटेंट इसका, इस मेन लैंड इंडिया का, जो इंडिया का मेन लैंड है, इंडिया का मेन लैंड क्या हुआ आपका, इंडिया का मेन लैंड हुआ ठीक है ये। सो लैटिट्यूड मेन लैंड इंडिया का आपका यहाँ से काउंट हुआ, और इंडियन वो पूरा इंडियन जो लैंड मास है
उसका मेन लैंड आपका जो अंडमान निकोबार में जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वहां से हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो समझ गए इन दोनों के बीच का मतलब। मेन लैंड, ये मेन लैंड हो गया आपका, ये जो हमारा मेन वो पेनिनसुलर इंडिया का जो सबसे बॉटम पॉइंट है वहां से, और इंडियन इंडिया का जो पूरा ज्योग्राफी है उसका लोएस्ट पॉइंट आपका ये अंडमान निकोबार के नीचे इंदिरा कोल है, वहां से हम काउंट करते हैं। सो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा मेन लैंड इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यहाँ पे 68 डिग्री टू 97 डिग्री। इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सटेंट का वो जो एक्सट्रीम के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनके बीच में अराउंड 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का अंतर है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है जिस वजह से होता यह है कि वेस्टर्न एक्सट्रीम और ईस्टर्न एक्सट्रीम में जो आपका टाइम गैप है वो अराउंड 2 आवर्स का टाइम गैप है। इन दोनों के बीच 2 घंटे का टाइम गैप है। कई बार जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो CDS 1 2 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको दो वो पॉइंट्स दे दिए थे, बोला था कि इन दोनों के बीच में आपका टाइम गैप कितना हो, तो वो टाइम गैप कैसे निकाल। देखो टाइम गैप अगर कभी भी निकालना है तो उसके लिए आपके पास लॉन्गिट्यूड्स होने चाहिए। 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना टाइम इंटरवल है उसके लिए आपको वो दोनों लॉन्गिट्यूड्स पता होने चाहिए। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने के लिए आपको 4 मिनट का टाइम लगता है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए आपको 4 मिनट का टाइम लगता है। अगर इसके एग्जाम्पल में देखें, इंडिया के एग्जाम्पल में देखें, तो हम 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करते हैं, एक को कवर करने के लिए 4 मिनट लगते हैं, 30 को कवर करने के लिए नियरली 120 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 30 नहीं है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ नियरली 120 मिनट्स। ये हो गया 2 आवर्स। तो आप समझे कि ये आपको अगर टाइम निकालना हो कभी एग्जाम में तो आप कैसे निकालोगे। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने के लिए 4 मिनट का आपको टाइम लगता है, ठीक है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर मतलब आपको कहीं भी 2 लॉन्गिट्यूड अगर आपको गिवन है तो आपको 4 मिनट का टाइम लगता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें, हम जो लॉन्गिट्यूड है इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, हम इंडिया का जो टाइम जो मानते हैं वो IST ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये एक लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड है जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। अब टाइम कैसे निकलता है, देखो ग्रीनविच जो है जिसको हम 0 डिग्री मानते हैं, उसके ईस्ट में जो भी पार्ट होगा, इसके ईस्ट में जो भी लैंड मास होगा उसका टाइम प्लस में रहेगा। अगर यहाँ पे 0 डिग्री ग्रीनविच पे रात के 12 बजे, तो इसके ईस्ट में अगर कोई भी आप कंट्री या लैंड मास ले लो तो वहां पे टाइम 12 के अगला होगा, मतलब नेक्स्ट डे का सुबह का 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, ठीक है। ग्रीनविच के वेस्ट में अगर आप जाओगे तो आपका टाइम हमेशा पीछे चलेगा। पीछे चलने का मतलब कि रात के 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, ठीक है, ऐसे चलेगा। ग्रीनविच के ईस्ट में टाइम प्लस रहेगा, नेक्स्ट डे आएगा मतलब आगे चलेगा टाइम, और ग्रीनविच के वेस्ट में टाइम पीछे चलेगा। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रख। अब हम आते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स पे, कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या क्या है। सबसे पहले फिजियोग्राफी समझने से पहले इस वर्ड को आपको मे बी कंफ्यूजन हो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी जो नए बच्चे हैं उनके लिए, फिजियोग्राफी होती है आपके लैंड के ऊपर का जो फिजिकल फीचर होता है। जैसे अगर आप ऊपर इंडिया का लैंड मास देखो तो वहां पे आपको माउंटेन्स दिखेंगे, नॉर्थ में आप आओगे तो नॉर्दर्न माउंटेन्स हिमालयन माउंटेन्स दिखेंगे, नीचे आओगे थोड़ा माउंटेन्स शिवालिक से नीचे आओगे तो आपको प्लेन्स दिखेंगे, वेस्ट की तरफ जाओगे हरियाणा राजस्थान पंजाब इस तरफ आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ का पूरा कल्चर क्लाइमेट सब कुछ अलग है, ठीक
ठीक है, सब कुछ अलग है, खान पान कल्चर सब कुछ अलग है। नीचे आप चलोगे साउथ, थोड़ा सेंट्रल इंडिया की तरफ, सेंट्रल से साउथ इंडिया की तरफ, तो आपको पेनिनसुलर प्लेटू देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे तो कोस्ट, हमारा इंडिया का बहुत ही लंबा कोस्टल लाइन है, अराउंड 7,500 किलोमीटर्स का टोटल कोस्टल लाइन है। और मेन लाइन इंडिया, मेन लाइन इंडिया मतलब यहाँ गुजरात से लेके इधर क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल तक, जो आपकी कोस्टल लाइन है, जो आपकी कोस्टल लाइन है वो अराउंड 6,100 किलोमीटर्स है, 6,100 के आसपास है, 6,100 किलोमीटर्स के आसपास मेनलैंड ये वाला पोर्शन। और टोटल इसमें आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स है वेस्ट की तरफ, जो कोस्टल प्लेन है इसका पूरी ज्योग्राफी ही अलग है, यहाँ का पूरा सिस्टम ही अलग है, वे क्लाइमेट ही अलग है। और ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे अलग है, वेस्ट की तरफ आपको एस्चुरी देखने को मिलती है, ईस्ट की तरफ आपको डेल्टास देखने को मिलते हैं, लास्ट में आइलैंड्स लक्षद्वीप अंडमान निकोबार। तो आप देख रहे हो कि ये कितने डिफरेंट टाइप के फिजिकल फीचर्स आपके लैंड पे प्रेजेंट हैं। इन सबको हम एक एक करके एक्सप्लेन, मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में समझते हैं। नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में आपका नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स वगैरह कवर्ड है। नंगा पर्वत आपका वेस्ट मोस्ट पॉइंट है, नामचा बरवा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका हिमालयाज है, हिमालयाज की सेंट्रल एक्सल रेंज है, इसको हम मानते हैं। हिमालयाज कश्मीर की तरफ बहुत ही वाइड है, अराउंड 400 किलोमीटर इसकी विड्थ है, और वहीं अगर आप ईस्टर्न इंडिया में जाओगे तो इसकी विड्थ कम हो जाए, वेस्ट की तरफ इसकी विड्थ ज़्यादा है और ईस्टर्न में इसकी विड्थ कम है। वेस्ट की तरफ के जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट उतनी उतनी एक्सट्रीम नहीं है, उतनी ज्यादा नहीं है, वो ब्रॉड माउंटेन्स है, वो ब्रॉड माउंटेन्स है। और ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो वो शार्प माउंटेन्स, उनकी हाइट ज्यादा है, उनकी हाइट ज्यादा है, तभी तभी जो हमारा मॉनसून आता है वो उस मॉनसून विंड्स को रोकते हैं और इंडिया की तरफ डाइवर्ट करते हैं। और वेस्ट वालों की हाइट अगर कम है, इस वजह से यहाँ से जब आपके विंटर्स में यहाँ से जब विंड्स आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती है, वो इसको इजीली इंडिया में एंटर होने देते हैं। समझ आए, ये चलो क्लाइमेट वाला है, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी इतना समझ, पहले नॉर्थन और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को समझते हैं। तो ये है आपका नॉर्थन और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, इसका सेंट्रल एक्शन रेंज नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। इसको हमने नॉर्थ साउथ, हम हिमालयाज जो है इसको हम तीन दो टाइप से पढ़े, पहले नॉर्थ टू साउथ डिवीजन, दूसरा ईस्ट टू नहीं वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन। नॉर्थ टू साउथ मतलब कि सबसे ऊपर कौन सी रेंज, उसके नीचे, उसके नीचे ऐसे करते हैं। और वेस्ट टू ईस्ट मतलब पहले कश्मीर हिमालय, फिर उत्तराखंड हिमालय, उसके बाद आपका ये सिक्किम हिमालय, फिर अरुणाचल हिमालय, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले नॉर्थ टू साउथ डिविजन्स को पढ़ते हैं, 2 मिनट रुको मैं इसे जगह क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले आता है नॉर्थ से साउथ में, अगर हम देखें तो सबसे ऊपर है आपका ट्रांस हिमालयास, जिसे हम तिब्बतन हिमालयास भी, ट्रांस हिमालयास आपका मोस्टली तिब्बत में लाई करता है। ठीक है, ये इसके जो माउंटेन रेंजेस हैं ये तिब्बत रीजन की तरफ हैं, और ये हिमालयास का सबसे ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, उसके नीचे अगर हम देखें तो आता है हमारा ग्रेट हिमालयास या हिमालय। ग्रेट हिमालयास क्रिस्टलाइन रॉक से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, किस टाइप के रॉक से मिलकर बने, क्रिस्टलाइन। ये रॉक मैं क्यों बता रहा हूँ, रॉक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं आपको शिवालिक बताऊंगा तो शिवालिक जेनेसिक रॉक से मिलकर बना होगा। अब ये जेनेसिक रॉक, क्रिस्टलाइन रॉक क्या है, ये मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, जो ये हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं जो ये लेक्चर देख रहे हैं, या फिर आप लोग भी जो न्यूज़ पढ़ते होंगे, आपने एक जोशीमठ इंसिडेंट सुना होगा। अभी रिसेंटली में
जोशीमठ इंसिडेंट बहुत ही न्यूज में था, ये क्यों हुआ था ये भी मैं समझाऊँ। जब आप ये समझ जाओगे ये टॉपिक, ये क्रिस्टलाइन रॉक्स, यूजेनेसिक रॉक, तो आप ये जोशीमठ इंसिडेंट क्यों हुआ था आप ये भी समझ जाओगे। ठीक है, इसमें ग्रेट हिमालयाज में कई सारे हाई माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कंचनजंगा, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी एक्सेट्रा। उसके नीचे आता है आपका लेसर हिमालय, लेसर हिमालयस, लेसर हिमालयस, ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज, ये अपनी डिसकंटिन्यूटी के लिए जानी जाती है। डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि देखो, जब हिमालयस फॉर्म हुए थे तो सबसे पहले आपका ये ट्रांस हिमालयस बना, उसके बाद अगर हम इस तरफ देखें फिर नीचे आपका ग्रेट हिमालयस फॉर्म, ग्रेट हिमालयस फॉर्म हुए, फिर उसके नीचे आपके लेसर हिमालयस या हिमाचल हिमालयस फॉर्म हुए। जब हिमाचल हिमालयस फॉर्म हुए उसके कई साल के बाद शिवालिक हिमालयस फॉर्म। अब शिवालिक हिमालयस जब फॉर्म हुए तो ये जो बीच की जो हिमाचल वाली रेंज है इसके ऊपर ये काफी प्रेशर पड़ा, क्योंकि ऊपर का भी बन चुका है, नीचे भी बन रहा है, तो जिस वजह से ये टूट से गए, तो इस वजह से इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई है। सो इट इज नोन फॉर इट्स डिसकॉन्टिन्यूटी। यहाँ पे कई सारे आपको रेंज देखने को मिलेंगे, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, मसूरी रेंज, कुमाऊं हिल्स एक्सेट्रा। लास्ट में है आपका शिवालिक एंड आउटर हिमालय। शिवालिक जो है सबसे लास्ट में बन, लास्ट फॉर्म, सबसे लास्ट में आपकी ये फॉर्म हुई है। ये जो है जेनेसिक रॉक से मिलके बनी हुई है, जेनेसिक रॉक से आपके मिलके बनी हुई है। ठीक है, जो एलुवियल, देखो क्या हुआ था मैं बताता हूँ, जब आपका ये हिमालयस फॉर्म हुए उससे पहले कुछ पेरिनियल रिवर्स फ्लो होती थी, जैसे आपकी यहाँ पे इंडस रिवर फ्लो होती थी, ब्रह्मपुत्र फ्लो होती थी, तो वो एलुवियल डिपॉजिट्स यहाँ पे नीचे करती थी। ठीक है, यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स करती। जब तीसरा ये शिवालिक हिमालयस फॉर्म हुए तो ये एलुवियल डिपॉजिट्स उठ गए और ऊपर एक क्या कहते हैं, एक माउंटेन का इन्होंने शेप ले लिया। तो ये जो शिवालिक है ये आपके एलुवियल डिपॉजिट से मिलके बने, ये कोई पक्के पत्थर नहीं है, ये मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि बड़े लूज से पत्थर आपस में जुड़े हुए। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन रॉक्स जो होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पत्थर जो कि काफी मजबूत होते हैं, ये वैसे नहीं है, ये बड़े लूज से रॉक। अब जोशीमठ में क्या हुआ, जोशीमठ में आपका जो क्या कहते हैं, जोशीमठ जो शहर है यह आपके मेन रॉक पे नहीं बसा हुआ, ये ऐसे ही किसी क्या कहते हैं जेनेसिक रॉक पे बसा हुआ। ठीक है, जेनेसिक रॉक मटेरियल पे बसा हुआ, वहां पे ड्यू टू कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज और रिवर कटिंग की वजह से यहाँ का जो रॉक है वो, देखो पहली बात यहाँ का रॉक कोई मजबूत रॉक तो है नहीं, ये आपस में जो मिट्टी का एक तरीके से समझ लो टीला है। ठीक है, जिसमें काफी सारे वो जो पत्थर हैं वो आपस में, एलुवियल डिपॉजिट्स हैं वो आपस में चिपक रखे हैं, लेकिन कॉम्पैक्टेड फॉर्म में नहीं, वो जुड़े हुए तो हैं लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं है, उतना मजबूत नहीं है, तो उस वजह से अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से काफी प्रेशर पड़ा, नीचे से रिवर जो है धौली गंगा जो है उसको नीचे से कट करती है। ठीक है, उस रॉक्स को नीचे से कट करती है, जिस वजह से यहाँ पे जो लैंड है वो नीचे धंसना शुरू हुई। लैंड के धंसने की वजह से हुआ ये कि जो दीवारें हैं उनमें क्रैक डेवलप हो गए, और उस क्रैक की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत लोगों को देखने को मिली। तो चलो अभी टॉपिक पे आते दोबारा। ठीक है, तो ये आपके ट्रांस हिमालयस, ग्रेट हिमालयस और लेसर हिमालयस और शिवालिक हमने डिस्कस कर लिया, नॉर्थ से साउथ हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे करते हैं वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय। वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट कश्मीर हिमालयस। ठीक है, उसके बाद हिमाचल हिमालयस देखेंगे, फिर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस, अरुणाचल हिमालयस, और लास्ट में ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स, जिसको हम पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं, पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कश्मीर हिमालयस से शुरू करते हैं। कश्मीर हिमालयस, कश्मीर हिमालयस में चार मेजर माउंटेन रेंजेस हैं, कौन कौन से, काराकोरम, और ये मैं जिस सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ इसी सीक्वेंस में लिखना, याद रखना। ठीक है, लद्दाख,
जांस्कर एंड पीर पंजाल, ये चार माउंटेन रेंजेस हैं। अब मैंने क्यों आपको मतलब वो पॉइंट आउट करके कहा कि ये जिस सीरीज में लिखवा रहा हूँ उसी सीरीज में लिखना, क्योंकि इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में देखो तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए सीडीएस एफ कैट सीएपीएफ एग्जाम्स में कि ये इसका ये माउंटेन रेंजेस जो है इसको आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाओ। तो ये इसका सीक्वेंशियल ऑर्डर ठीक है, के एल जेड पी, आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हो ठीक है। सो यहाँ पे ये चार मेजर माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलती हैं। ये जो वैली है, ये जो कश्मीर हिमालयाज है, यहाँ पे आपकी बहुत फेमस कश्मीर वैली भी देखने को मिलेगी, जो कि जो कश्मीर वैली है ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगा, क्या? करेवा फॉर्मेशन। करेवा फॉर्मेशन बेसिकली ग्लेशियल डिपॉजिट से एक सॉइल है ठीक है, जो कि यूजफुल है होता है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ ऑफ जाफरान। ये जो करेवा फॉर्मेशन है ये क्या कहते हैं, ये ग्लेशियल डिपॉजिट से मिलकर बना हुआ है एंड इट इज यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जाफरान। अब जाफरान क्या है, जाफरान बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ सैफरन, एक ये सैफरन है बहुत ही फेमस है, कश्मीरी केसर जिसे हम कहते हैं आम भाषा में। तो ये आपका क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालयाज में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जोजीला पास। जोजीला पास कहाँ पे हो आपको देखने को मिलेगा, कश्मीर एंड लद्दाख। उसके बाद बनिहाल पास, बनिहाल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पीर पंजाल रेंज में। पीर पंजाल रेंज में आपको बनिहाल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कई सारे आपको फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर लेक्स भी, कई सारे तो नहीं मतलब कुछ मेजर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर लेक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे डल लेक, वुलर लेक, ये आपके फ्रेश वाटर लेक है। और सॉल्ट वाटर में सोमोरीरी एंड वेरी फेमस पैंगोंग सो, जहाँ पे 2020 में इंडियन और चाइनीज आर्मी का स्टैंड ऑफ हुआ था ठीक है, इसी रीजन के आसपास, इसी रीजन में बेसिकली पैंगोंग सो लेक के रीजन में। सो ये है बेसिकली आपका कश्मीर हिमालयस के बारे में सारी चीजें। तो यहाँ पे जो जो मैंने चीजें बताई हैं, सबसे पहले ये माउंटेन रेंजेस काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, यहाँ पे ये मेजर माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद कश्मीर हिमालयस इज फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। करेवा क्या होता है, करेवा इज बेसिकली ग्लेशियल डिपॉजिट्स ठीक है, विच इज यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जाफरान। जाफरान की कल्टीवेशन के लिए बहुत यूजफुल होता है और ये यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। और जाफरान क्या होता है बेसिकली, इट इज अ कश्मीरी सैफरन। यहाँ पे कई सारे आपको पासेस देखने को मिलेंगे, लाइक जोजीला, पीर बनिहाल ठीक है, खारदुंगला, ये सारे पासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको डल लेक और वुलर लेक जैसे फ्रेश वाटर लेक, और सोमोरीरी और पैंगोंग सो जैसे सॉल्ट वाटर लेक भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका सब कुछ कश्मीर हिमालयस के बारे में। अब आगे डिस्कस करते हैं हम हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस के बारे में। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस ठीक है, इसमें वेस्टर्न साइड में आपका गढ़वाल हिल्स आता है, गढ़वाल हिल्स इन वेस्ट साइड एंड कुमाऊं हिल्स ऑन ईस्ट साइड। देखो यह आपका कुछ इस तरीके से उत्तराखंड है, वेस्ट के रीजन में आपको गढ़वाल हिल्स देखने को मिलेगा और ईस्टर्न रीजन में आपको कुमाऊं हिल्स देखने को मिलेंगे। सो पहली ये चीज, यहाँ पे आपको हाई माउंटेन रेंजेस लाइक माउंटेन पीक्स लाइक नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ देखने को मिलेगा ठीक है। नंदा देवी बहुत फेमस है, ये जो रीजन है इट इज अ सोर्स ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर, गंगा एंड वेरियस अदर रिवर्स ऑल्सो। अगर आप हिमाचल की तरफ देखोगे तो हिमाचल की तरफ से आपको ब्यास, रावी, ये रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे ठीक है।
वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क भी है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये आपका है अबाउट हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय के बारे में सब कुछ, ठीक है। देखो अभी एग्जाम में आपसे ना थ्योरी कम पूछेगा, आप थ्योरी समझ लो, थ्योरी अगर आप समझ लोगे तो उसके बाद आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बड़े इजीली आप टैकल कर पाओगे। एग्जाम में बेसिकली आपसे कंसेप्ट पूछता है, इंडियन ज्योग्राफी में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपसे कंसेप्ट पूछेगा, आपने यहाँ से थ्योरी पढ़ ली। इसके बाद आप खुद भी PYQs लगाओ, मैं तो लाऊंगा ही, मैं तो लाऊंगा ही। शायद हमारा नेक्स्ट मंथ में लेक्चर होगा PYQs का, जिसमें मैं लास्ट 2019 जिसमें मैं 2019 के सेकंड से 2022 के सेकंड तक के जो सारे आपके पेपर हैं उसके PYQ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योग्राफी डिस्कस करूंगा। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ गया आंसर बता दिया ना, मैं उसमें आपके साथ बाकी के जो चार ऑप्शन, वो चार ऑप्शन क्यों दिए, उनका क्या रेलेवेंस है, वो चार ऑप्शन क्या सिग्निफाई करते हैं, वो भी डिस्कस करूँ ताकि आपका होल सम तैयारी हो जाए। और होल अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और इजिली आप ये एग्जाम क्वालिफाई भी कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं अबाउट दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस के बारे में। सो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस इज फेमस फॉर वेरी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ पे काफी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स इस रीजन में आपको देखने को मिलते हैं, लाइक तिस्ता रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। फास्ट फ्लोइंग क्यों होते हैं ये रिवर्स? ये रिवर्स फास्ट फ्लोइंग इसलिए होते हैं क्योंकि ये माउंटेन से निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी रेनफॉल भी काफी ज्यादा होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्लेशियल आपका क्या कहते हैं, रिवर्स ग्लेशियर के वो पिघलने से भी उसमें पानी आता है, माउंटेन से आता है। इनके पास प्लेन लैंड बहुत कम होता है, प्लेन लैंड बहुत कम होता है, इस वजह से ये बहुत तेजी से निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको फास्ट फ्लोइंग रिवर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी बहुत फेमस जो इंडिया की अभी प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है कंचनजंगा, वो आपको इसी रीजन में देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर हमारी तो हाईएस्ट पीक माउंट K2 है, ठीक है। तो माउंट K2 जो है वो डेफिनेटली इंडिया की है, बट फिलहाल वो POK के रीजन में था, ठीक है। तो प्रेजेंटली इंडिया की जो बाउंड्री है उसमें आपका जो हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा, ठीक है। माउंट K2 कुछ समय बाद इंडिया में आ ही जाएगा। यहाँ पे ब्रिटिशर्स, ये जो रीजन है इट इज फेमस फॉर टी प्लांटेशन। यहाँ के ज्योग्राफी सॉइल और देख के ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया था, और ये रीजन अब बहुत ही फेमस है फॉर इट्स टी प्लांटेशन ऑल्सो। यहाँ पे आपके कई सारे ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं, इस रीजन में कई मिक्स पॉपुलेशन रहते हैं, ट्राइबल्स भी रहते हैं लाइक लेपचा ट्राइब के लोग रहते हैं, साथ में सेंट्रल इंडिया से लाए हुए लोग, सेंट्रल इंडियाज, नेपालीज, बंगालीज, ये सब भी इस रीजन में रहते हैं। सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल लोग यहाँ पे क्या करें, सोचो। देखो जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस किया तो उनको लेबर फोर्स चाहिए, तो उन्होंने सेंट्रल इंडिया से जो भी उनको लेबर फोर्स मिला उनको यहाँ पे ले आए कि काम करो, और फिर उन्होंने काम किया और फिर वो वहीं बस गए। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल पॉपुलेशन भी देखने को मिलेगी। सो यही है आपका इस हिमालय के बारे में, सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयस बेसिक। अब आगे हम डिस्कस करते हैं अबाउट अरुणाचल हिमालयस, असम एंड अरुणाचल हिमालयस, असम एंड अरुणाचल हिमालयस, ठीक है। असम एंड अरुणाचल हिमालयस के बारे में डिस्कस, यहाँ पे हिमालयस बहुत पसंद, मैंने आपको पहली स्लाइड में जब समझा रहा था तो मैंने बताया था कि कश्मीर की तरफ हिमालय की जो विड्थ है वो नियरली 400 किलोमीटर्स है, और इस रीजन में विड्थ आपकी ईस्ट साइड में जैसे आप जाते हो तो इसकी विड्थ 150 किलोमीटर्स हो गए। तो इस रीजन में हिमालयस बहुत ही नैरो है, पहली चीज, ठीक है, कि यहाँ पे हिमालयस आपके बहुत ही नैरोवर है। यहाँ पे आपके कुछ हाई माउंटेन पीक्स लाइक नामचा बरवा, हुला कांगरी, कांगतू, ये सब भी हैं। दीपू पास एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास है
जो कि इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे। किस किस के? इंडिया, चाइना और म्यांमार। अब आप लोग मुझको ये बताओगे, ये जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये फिजियोग्राफी वाला चैप्टर करवाया था, उसमें मैंने आपको माउंटेन पासेस भी बताए थे। अब आप लोगों का होमवर्क क्या, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये दीपू पास कौन से स्टेट में आपको मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओगे तो आप समझ जाओगे। इस रीजन में आपके कई सारे रिवर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ब्रह्मपुत्र, बेसिकली ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज लाइक दिबांग, दिहांग, दिबांग, दिहांग, लोहित, सुभनसिरी एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिले। ये हिमालय जो है, ठीक है, यहाँ पे कई सारे ट्राइबल पॉपुलेशन भी रहती है। अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट बताऊं, और मैं ये वाला पॉइंट आपको क्यों बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का पॉइंट है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि CDS 1 2020, हाँ, ये आपका एग्जाम हुआ था 2 फेब 2020 को। ठीक है, इस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि मोनपा ट्राइब आपकी कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो मोनपा ट्राइब आपके अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो इस रीजन में आपको कई सारे ट्राइब्स लाइक मोनपा, मोनपा, अबोर, मिशमी, नियाशी जैसे कई सारे ट्राइब्स आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी काफी प्रैक्टिस में होता है। यहाँ के लोग वो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग यहाँ पे म्यांमार में इस रीजन में काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यहाँ की टोपोग्राफी जो है वो बहुत ही आपकी हार्श, ठीक है, टेरेन जो है आपका बहुत ही रफ है, जिस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पहले कम थी बट अब इंक्रीज हो रही है। जो भी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत भी जो क्या कहते जो पहली जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता था वो द्वार रीजन से होता था। द्वार रीजन माउंट ये बेसिकली एक माउंटेन पास के थ्रू होता था क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस माउंटेन्स है, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स है, उसके बाद पूर्वांचल हिल्स हैं, तो उस वजह से यहाँ पे जो इंटरेक्शन था पहले के टाइम में बहुत ही कम था, बट अब ये सब अच्छा हुआ है। लास्ट कुछ सालों से हम देखें तो इस रीजन में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बढ़ी। अब हम लास्ट पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स के बारे में। ईस्टर्न हिल्स में आपके कौन कौन से हिल्स आ गए, जैसे पत्काई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीजो हिल्स, ये सारे जो छोटे छोटे हिल्स हैं वो इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये हिल्स बहुत इम्पोर्टेंट है नॉर्थ जो आपका साउथ मॉनसूनल विंड्स आते हैं जो वो मई जून के महीने में, उनको रोकने के लिए। ठीक है, अब वो क्या होता है वो मैं आपको जब क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको जानना चाहिए। मीजो हिल में एक हाईएस्ट इसकी पीक है जिसे हम कहते हैं ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, एक यही इम्पोर्टेंट था। और नागा हिल्स, हाँ, नागा हिल्स की एक इम्पोर्टेंट सबसे हाई पीक है शरामती माउंटेन, शरामती माउंटेन्स। ये मे भी आपसे पूछ ले, ऑल्दो ये पूछा तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैंने करवा दिया आपको। सो ये आपका पूरा था अबाउट वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयाज के बारे में। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स भी मैं आपके साथ दो उसमें डिस्कस करूंगा। कैसे? पहले नॉर्थ से साउथ डिवीजन और दूसरा आपका ईस्ट से सॉरी वेस्ट से ईस्ट डिवीजन। नॉर्थ से साउथ डिवीजन नॉर्दर्न प्लेन्स का कैसे है और वेस्ट से ईस्ट डिवीजन कैसे है? देखो, नॉर्थ से साउथ डिवीजन का अगर हम पहले बात करना शुरू करें तो आपको सबसे पहले भाबर रीजन देखने को मिलता है। भाबर रीजन
आपका साउथ ऑफ शिवालिक्स में आपको देखने को मिलेगा। साउथ ऑफ शिवालिक्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े आपको पत्थर देखने को मिलते हैं, और जिस वजह से जो भी ड्रेन्स आती है, जो भी छोटी नदियाँ होती हैं, वो इस रीजन से डिसअपियर हो जाती हैं थ्रू डैट बिग बोल्डर्स। और वो जो बड़े पत्थर और बोल्डर्स हैं उनमें बहुत ही पोरस होते हैं वो, ठीक है। देखो कोई बड़े बड़े जैसे पत्थर तो रखे रहते हैं तो बीच में तो कितनी स्पेस होती है, तो नदी नाले जो छोटे छोटी नदियां वगैरह होती है वो इस रीजन में डिसअपियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इसके नीचे से चली जाती है। भाबर के साउथ में आपको अगला रीजन जो देखने को मिलता है वो तराई रीजन। तराई रीजन में की इम्पोर्टेंस क्या है? तराई रीजन में ये जो नदी नाले यहाँ पे छोटे छोटे डिसअपियर हुए थे वो यहाँ पे री एमर्ज होते हैं, वो यहाँ पे री एमर्ज होते हैं, दोबारा वो सरफेस पे आते हैं। री एमर्ज की वजह से यहाँ के जो लैंड है वो काफी मार्शी लैंड बन जाती है, काफी दलदली जमीन हो जाती है, ठीक है। और उस वजह से यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। जब दलदली इलाका है, प्रॉपर पानी है, ठीक है, तो फिर नेचुरल वेजिटेशन भी काफी अच्छा ही आपको देखने को मिलता है। फिर उसके नीचे तराई के नीचे आपको जो अगला रीजन आपको देखने को मिलता है वो होता है भांगर। भांगर जो है इट इज एन ओल्ड एलुवियल लैंड, ये ओल्ड एलुवियल लैंड, ओल्ड एलुवियल लैंड और या फिर ओल्ड फ्लड प्लेन्स है ये, ठीक है। मतलब कि जब रिवर्स जो होती है, मैं आपको बताता हूँ, रिवर्स जो होती है वो दो टाइप से इरोशन करती है, एक तो अपने बैंक पे इरोशन करती है, दूसरा अपने सरफेस पे इरोशन करती है। सपोज करो कि पहले रिवर ऐसे बहती थी, ठीक है, इस रीजन में, इसने अपने बैंक को तो इरोड किया ही किया, साइड बाय साइड अपनी नीचे जो सरफेस है उसको भी इरोड किया। उस वजह से काफी समय के बाद आप देखोगे तो रिवर ये ऐसी हो जाएगी। तो ये वाला जो लैंड बच गया, ये वाला जो लैंड बच गया, अब ये तो आपका, जब ये रिवर पहले इस कोर्स में बहती थी, पुराने वाले कोर्स में बहती थी, तब जब आपकी बरसात होती होगी तो ये ओवरफ्लो भी होती होगी, जो अपने साथ एलुवियल डिपॉजिट लाती है वो यहाँ साइड में डिपॉजिट भी करती होगी, जिस वजह से ये लैंड फर्टाइल था। बट अब रिवर ने जब अपना कोर्स चेंज कर लिया, ये नीचे की तरफ थोड़ी शिफ्ट हो गई, तो अब यहाँ पे तो नहीं जाएगा पानी, तो ये जो लैंड बच गया है, ये जो लैंड बन गया, इसे हम कहते हैं भांगड़ लैंड या ओल्ड एलुवियल लैंड। यहाँ पे आपको कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपका है खादर लैंड। खादर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा खादर। खादर क्या है? खादर है न्यू एलुवियल लैंड, न्यू एलुवियल प्लेन्स, ये आपके खादर लैंड है, ठीक है। अब मतलब कि जो नया जो एलुवियल प्लेन है, नया जो फ्लड प्लेन है जहां पे रिवर अपना डिपॉजिट करती है, वो है आपका, उसको कहते हैं हम खादर्स, ठीक है। पंजाब, अब इसको वेरियस अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पंजाब में धाया बोलते हैं, यूपी में कोल बोलते हैं, बंगाल में भील, बिहार में ताल, ये सब बोलते हैं। ये किसको बोलते हैं? ये जो स्लोप होता है भांगर और खादर के बीच में, पहले रिवर इधर बहती थी, उसके बाद ये नीचे की तरफ हो गई तो ये स्लोप बच गया। इस स्लोप को अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये था आपका नॉर्थ टू साउथ डिवीजन ऑफ एलुवियल लैंड नॉर्दर्न प्लेन्स। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा हूँ, और कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताओ और ग्रुप पे भी लिख के बताओ, ठीक है। अगर आप हमारे ग्रुप में कनेक्टेड हैं तो आप ग्रुप पे भी लिख के बताओ, तो फिर मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सेशंस वगैरह लेके, एक्स्ट्रा क्लासेस लेके हम आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप एग्जाम तक कॉन्फिडेंट फील करें। अब बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन, वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन के बारे में। वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट राजस्थान प्लेन्स। अब आप सोचोगे राजस्थान में प्लेन्स कहाँ है? राजस्थान तो डेजर्ट है। नहीं, राजस्थान का एक इलाका, ठीक है, जो साउथ वेस्टर्न राजस्थान रीजन है, वहां पे आपको वो सॉइल्स वगैरह देखने को, अरावलीज के वेस्ट की तरफ या अरावलीज
आपके यहाँ से निकलती है, अरावलीज के वेस्ट की तरफ आपको राजस्थान प्लेन्स देखने को मिलता है, ठीक है। सो राजस्थान प्लेन्स में आपके बेसिकली ये पंजाब प्लेन, पंजाब और हरियाणा प्लेन है, उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, ठीक है। इस रीजन को हम राजस्थान बागड़ रीजन भी कहते हैं, राजस्थान प्लेन्स के रीजन को हम राजस्थान बागड़ रीजन भी कहते हैं। ये रीजन लूनी रिवर ड्रेन करती है, लूनी रिवर के ड्रेनेज सिस्टम में ये सिस्टम आता है। अब लूनी रिवर के बारे में मैं आपके साथ मैंने आगे डिस्कस करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बहुत ही ये फर्टाइल लैंड है, ठीक है, जिसको रोही ट्रैक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान प्लेन के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना था तो मैंने बता दिया। ये बेसिकली एक्सटेंशन है पंजाब और हरियाणा प्लेन्स का, और इस रीजन को राजस्थान बागड़ रीजन भी कहते हैं। और जो इसका जो सबसे फर्टाइल ट्रैक्स है उसको रोही ट्रैक के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है आपका वो है पंजाब और हरियाणा, पंजाब प्लेन्स, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय मेनी रिवर्स, कई सारे रिवर सिस्टम इसको ड्रेन करते हैं। मैं ओवरऑल अगर आपको बात करूं तो देखो, पंजाब जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का पंजाब अगर इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसमें पंजाब नाम ही पड़ा था कि पांच रिवर सिस्टम इस रीजन को ड्रेन करती है। उससे हरियाणा में आपका यमुना जो है हरियाणा के बॉर्डर से टच करके आती है, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे जब ट्यूबवेल्स वगैरह का फार्मर्स ने यूज करना शुरू किया तो ये रीजन काफी फर्टाइल हो गया। यहाँ पे आपका ये वन ऑफ दी ये काफी फर्टाइल रीजन में काउंट किया जाता है। खादर प्लेन्स जो न्यू एलुवियल लैंड है ये उस रीजन में आता है, खादर प्लेन्स के रीजन में ये आता है। दूसरा, ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट टाइम इस रीजन में इंप्लीमेंट किया गया था, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो है फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट किया गया था इस रीजन में करंट के टाइम पे। इससे देखो, इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, डायरेक्ट इधर से क्वेश्चन नहीं, चांसेस कम है पूछने के, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो ताकि कोई भी क्वेश्चन इधर से अगर घुमा फिरा के पूछे तो आप कर सको। प्रेजेंट टाइम पे इस रीजन में जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो बड़ा स्टैग्नेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ की सॉइल जो है वो सलाइन सी हो गई है, यहाँ की सॉइल सलाइन हो गई है। यहाँ के जो फार्मर्स हैं इन्होंने अपनी लैंड को इतना ज्यादा इरिगेट किया, इतना ज्यादा उसमें पानी दिया कि, और दूसरी बात कि एक बेसिन टाइप का लैंड, ठीक है, यहाँ से पानी बहता नहीं है, यहीं पे स्टोर्ड रहता है, जिस वजह से यहाँ की जो लैंड है वो सलाइन होती है, ठीक है। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे, स्पेशली अगर कोई राजस्थान वो पंजाब हरियाणा के बच्चे जो देख रहे हैं उन वो तो उनको तो पक्का ही पक्का बताना है, और बाकी बच्चों को भी बताना है कि एक बात बताना मुझे कि अगर सॉइल सलाइन हो जाए तो इसको इसमें क्या ऐड किया जाता है। ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो शायद CDS 120/21 में पूछा गया, ठीक है, 22 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इधर पूछा गया। तो यहाँ की सॉइल काफी सलाइन हो चुकी है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एरिडिटी के प्रॉब्लम है, तो ये दो मेजर प्रॉब्लम है जहाँ जिस वजह से यहाँ का जो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर आउटपुट है वो काफी स्टैगनेंट हो गया। उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश और बिहार का प्लेन, उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल का प्लेन। ये जो प्लेन है ये आपका बेसिकली गंगा और गंगा का जो गंगा ड्रेनेज सिस्टम, गंगा का जो पूरा रिवर सिस्टम है वो इस प्लेन्स को ड्रेन करता है, और ये काफ़ी फर्टाइल रीजन है, ठीक है, इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया। फिर आपका हम बात करेंगे अबाउट असम प्लेन्स के बारे में। असम प्लेन्स आपका ब्रह्मपुत्र रिवर्स ड्रेन करती है, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज इसे ड्रेन करती है। ये जो रीजन है इस रीजन में आप देखोगे तो हर साल ये जो रीजन है यहाँ पे आपका फ्लड की समस्या आपको देखने को मिलती है। हर साल आप देखोगे तो असम हमारा डूबा रहता है,
ये जून जुलाई के महीने में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो, पहली बात, यहाँ से जो रिवर आती है, और दूसरी चीज देखो, पहली चीज कि यहाँ से जो रिवर आती है उनमें वाटर वॉल्यूम सबसे हाई होता है। ब्रह्मपुत्र जो आपका रिवर है, इट इज वॉल्यूम वाइज ये इंडिया का सबसे बड़ी रिवर, ठीक है, वॉल्यूम वाइज ये इंडिया की सबसे बड़ी रिवर। इस रीजन में आपका देखो, इस तरफ तो आपके ये नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स है, फिर नीचे अगर आप देखोगे तो पूर्वांचल हिल्स हैं, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, काफ़ी सारे हिली रीजन है। प्लेन रीजन इसको यहीं पे मिलता है, इन रिवर्स को प्लेन रीजन यहीं पे मिलता है, ठीक है। तो पहली चीज़, इसमें वाटर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जब यहाँ पे बरसात होती है तो इस आपको पता होगा कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे जो पानी, बरसात भी ज़्यादा होती है तो वाटर का जो वॉल्यूम पहले से ही ज़्यादा था उसमें और पानी आ जाता है। अब ये माउंटेन्स में तो कहाँ ही, मतलब ये क्या कहते हैं, माउंटेन से ये अपना क्या कहते हैं डिपॉजिट्स वगैरह लेकर चलती हैं ये रिवर, बहुत सारी डिपॉजिट। जैसे ही ये प्लेन्स में आती है, ये अपने रिवर बेड पे वो डिपॉजिट को डिपॉजिट करती हैं और पानी बाहर निकल आता है। सेम रीज़न है कोसी का, बिहार में कोसी को हम कहते हैं, कहते थे पहले सौरव ऑफ बिहार। ये सेम रीज़न है जिस वजह से यहाँ पे और बिहार के रीजन में आपका ये फ्लड्स आते हैं हर साल, ठीक है। तो वाटर वॉल्यूम को अगर हम मैनेज करें, डैम्स वगैरह बिल्ड करें, तो कंट्रोल किया जा सकता है, और अब कंट्रोल हो भी रहा है, लेकिन अब इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। सो ये आपका पूरा था आपका नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। इधर आप पढ़ लेना, मैंने इसमें थोड़े नोट्स वगैरह भी आपके साथ शेयर कर दिए, बट बेसिकली जो मैंने समझाया उतना ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा इधर से नहीं पूछेगा। अगला टॉपिक है हमारा आइलैंड्स, इंडियन आइलैंड्स के बारे में अगला टॉपिक। आइलैंड्स हमारे दो आइलैंड्स ग्रुप है, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी में आता है, हमारे वेस्टर्न वेस्ट की तरफ है, और अंडमान निकोबार आपका बे ऑफ बंगाल रीजन में देखने को मिलता है। लक्षद्वीप जो है, इट इज़ अ कोरल आइलैंड, ये कोरल आइलैंड है, कोरल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो मिनी कॉय है लक्षद्वीप जो है, उसमें वो लक्षद्वीप और मिनी कॉय ये दो मेजर आइलैंड ग्रुप का एक पार्ट है, ठीक है, जिसे हम ओवरऑल लक्षद्वीप कहते हैं। मिनी कॉय इसका सबसे बड़ा वो आइलैंड है। मिनी कॉय और लक्षद्वीप तो मेजर है आपका, लक्षद्वीप और मिनी कॉय ये 9 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। अब ये मिनी कॉय और मॉलडीव्स, ये नीचे इसके मॉलडीव्स आता है, ठीक है, जहाँ पे सब कई लोग आपने देखा होगा सुपरस्टार्स वगैरह घूमने भी जाते हैं। मिनी कॉय और मॉलडीव्स 8 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। मिनी कॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री, मिनी कॉय और मॉलडीव्स 8 डिग्री, आप ऐसे याद रखो, नीचे से 8 फिर 9, और हम साइड में जाए जब जाएंगे अंडमान निकोबार की तरफ तब हमें 10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं हम अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को ये आपका बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसे बेसिकली हम कहते हैं कि ये हिमालयास, माना जाता है कि ये हिमालयास की एक्सटेंशन है, हिमालयास की एक्सटेंशन है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आपके हिमालयास की एक्सटेंशन। ये आपके 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूडनल रीजन में पूरा है, ठीक है। इट इज़ अ 572 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दो मेजर ग्रुप हैं, अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप। अब आप लोगों का एक और होमवर्क है, ठीक है, क्या आप मुझे बताओगे 10 डिग्री चैनल कौन से दो आइलैंड ग्रुप को सेपरेट करता है? मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ आपसे स्पेसिफिक, ठीक है, आपसे स्पेसिफिक ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन CDS 2 2022 में पूछा गया। देखो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज करो, साइड में एक दूसरा टैब वो क्रोम पे जाओ, सर्च करो कि ये कहाँ पे आता है, ठीक है। जब आप सर्च करोगे, आप पता करोगे, ठीक है, उसको पढ़ लेना एक बार, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ताकि ये क्वेश्चन अगर दोबारा पूछे तो आप इसको टैकल कर सकें। ये था आपका इंडियन आइलैंड्स के बारे में मेजर चीज़ें। अगला है हमारा इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है, ठीक
है, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ अरावलीज में लाई कर। अरावलीज आपका गुजरात के पालनपुर से, पालनपुर ध्यान रखना मैंने वर्ड कौन सा यूज किया, कई बच्चे कहेंगे सर पालनपुर तो हिमाचल प्रदेश में है, तो नहीं नहीं ये यहाँ पे पालनपुर है, पालनपुर दिल्ली रिज तक आता है। ये जो अरावलीज है नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावलीज में आपका लाई करता है। ये डेजर्ट फॉर्म इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल, लो रेनफॉल और जिस वजह से यहाँ पे लो वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन डेजर्ट आपको इंडिया में देखने को मिलेगा और बहुत थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मेसोजोई के एरा में जब इंडियन प्लेट जो थी वो आपके यूरेशियन प्लेट से की तरफ मूव कर रही थी, तो ये वाला जो रीजन था, ये वाला जो रीजन था ये आपके सी के अंदर था। ऐसा क्यों माना जाता है, किसी ने तो वहां जाके देखा नहीं या वहां के इंसानों ने बताया नहीं, इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें मरीन डिपॉजिट देखने को मिले। वो डिपॉजिट जो आपको समंदर में ही देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिले, इस वजह से ऐसा कहा जाता है। सो ये था आपका इंडियन डेजर्ट के बारे में। अब अगला टॉपिक है हमारा इंडियन कोस्टल प्लेन। अब बच्चों हम बात करेंगे अबाउट कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया। इंडिया की जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, उसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो चलो सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हम बेसिक जो है इसके मेजर फीचर्स पढ़ते हैं, इसके ज़्यादा डीप में मैं नहीं बता वो जाऊँगा क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले की लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है। आपका जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये काफ़ी नैरो है। ये नैरो क्यों है, क्योंकि अगर जब मैं अभी आपको नेक्स्ट जो पेनिनसुलर इंडिया पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि यहाँ पे ना वेस्टर्न घाट्स जो होती है, तो वेस्टर्न घाट्स की वजह से ये जो रीजन है ये बहुत नैरो है। ठीक है, यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो होती है वो एस्टुरीज फॉर्म करती हैं, रिवर्स फॉर्म एस्टुरीज, यहाँ के जो रिवर्स हैं ये एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको गुजरात की तरफ में यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ कच्छ, इधर आपको गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ कंबत या गल्फ ऑफ कैम्बे देखने को मिलेगा। और हाँ, गुजरात की जो कोस्टल लाइन है इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन। अगर आपको क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन मुझे याद है कि एनडीए के, मैंने देखा था कि एनडीए के पेपर में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इंडिया के कौन से स्टेट के, तो बच्चों वो गुजरात की। ठीक है, गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे लंबी है। और यहाँ पे केरला वाला जो कोस्टल प्लेन है इसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। क्या, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मालाबार कोस्ट कहते हैं। अच्छा, मालाबार कोस्ट से एक हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है। ठीक है, अब इस मिलिट्री एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, ठीक है, ये कैसे होती है ये आप सर्च करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो जो बताएगा मैं उसको हार्ट ट्रैक करूंगा। ठीक है, तो ये मालाबार कोस्ट, ये केरला वाला जो कोस्टल रीजन है इसको हम मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कंपेरेटिवली ब्रॉडर है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये कंपेरेटिवली ब्रॉडर है, ये चौड़े हैं आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो होती है, यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो होती है ये डेल्टास फॉर्म करती है। ये डेल्टास और एस्चुरीज क्या है, ये जब मैं अभी आपको क्या कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम वाला टॉपिक करवाऊंगा उसमें बताऊंगा। यहाँ के जो रिवर्स हैं वो डेल्टास फॉर्म करती हैं। ठीक है, कुछ मेजर डेल्टास जैसे महानदी डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, कावेरी, ये डेल्टास फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये आगे हम जब ड्रेनेज चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका तमिलनाडु कोस्ट है, तमिलनाडु कोस्ट की एक बड़ी क्या कहते हैं यूनिक चीज़ है कि यहाँ पे तमिलनाडु कोस्ट आपका विंटर रेनफॉल
यहाँ पे आपका विंटर्स में रेनफॉल होती है। क्या होती है ये जब क्लाइमेट चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा, लेकिन याद रखना कि तमिलनाडु कोस्ट पे आपके विंटर्स में रेनफॉल होती है। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका इंडिया का जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे ट्राइंगुलर ब्लॉक के फॉर्म में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ट्राइंगुलर ब्लॉक के फॉर्म में आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इसका टोटल एरिया जो ये कवर करती है वो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया का टोटल एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, अकेला पेनिनसुलर प्लेट्यू 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। तो आप समझ रहे हो कि ये मतलब कितना मेजर वो पोर्शन है हमारे हिंदुस्तान का। दूसरा, इसकी जो एवरेज हाइट है, यहाँ पे जो भी आपको माउंटेन पीक्स मिलेंगे उनकी जो एवरेज हाइट है वो 600 से 900 मीटर अबव सी लेवल है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स, जो कि मोस्ट कई सारे जो पेनिनसुलर रिवर है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं, मतलब यहाँ से निकलेंगी और इस तरफ फ्लो करेंगी। जैसे कि आप देख लो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नर, वैगई, ये सब आपकी इस तरफ फ्लो होती हैं। नर्मदा ताप्ती, केवल ये दोनों रिवर एक एक्सेप्शन है जो कि आपकी इस तरफ फ्लो होती है। ये इस तरफ फ्लो क्यों होती है? क्योंकि ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होती है। अब रिफ्ट वैली क्या है वो मैंने आपको ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब प्लेट्यू को हम एक एक करके, जो पूरा हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको, उसके पार्ट्स को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मारवाड़ प्लेट्यू या मेवाड़ प्लेट्यू, ये राजस्थान का पार्ट है, ईस्टर्न राजस्थान का। मेवाड़ आपने सुना भी होगा नाम, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी एवरेज एलिवेशन 250 से 500 मीटर के आसपास की है, ठीक है, ये यहाँ पे सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, ये सारे रॉक आपको देखने को मिलता है। उसके नीचे आता है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड आपका मध्य भारत पत्थर, इसको हम मध्य भारत पत्थर भी कहते हैं, ठीक है, या मध्य भारत प्लेट्यू भी कहते हैं। ये मारवाड़ प्लेट्यू के ईस्टर्न रीजन में लाई करता है। यहाँ पे आपका राजस्थान के इस रीजन में मारवाड़ है, फिर आपका ये मध्य भारत पत्थर है, ठीक है। यहाँ पे आपके चंबल रिवर फ्लो होती है रिफ्ट वैली से, और काली सिंध रिवर फ्लो होती है थ्रू राणा प्रताप सागर, बनास, और बाकी सारी रिवर्स भी फ्लो होती हैं। नॉर्थ की तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड में, तो चंबल की वो बीहड़ या चंबल रेवाइंस आपको देखने को मिलते हैं। ये चंबल रेवाइंस क्या है? ये ड्यू टू सॉइल इरोजन की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से वहाँ का टॉप लेवल का जो भी सॉइल है वो सब इरोड हो गया है, और वहाँ का लैंड जो है वो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है, और इस वजह से यहाँ पे बैड लैंड्स या रिवाइंस या बीहड़ फॉर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। बुंदेलखंड प्लेट्यू आपके मध्य भारत पत्थर के नॉर्थ में लाई करता है, ठीक है। ये ग्रेनाइट जेनिस रॉक से मिलके बना हुआ है, ये काफी सूखा रीजन है, ठीक है। यहाँ पे आपको काफी वो रिवर्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, जिस वजह से ये जो रीजन है ये यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी बहुत कम है, और उस वजह से काफी इंटेंस पॉवर्टी वगैरह भी आपको देखने को मिलती है। मालवा प्लेटू, मालवा रफली फॉर्म्स द फॉर्म्स अ ट्राइंगल बेस्ड ऑन विंध्यन हिल्स बाउंडेड बाई अरावलीज रेंज इन द वेस्ट एंड मध्य भारत इन पत्थर इन द नॉर्थ एंड द बुंदेलखंड इन द ईस्ट, ठीक है। आपका मालवा प्लेटू एक ट्राइंगुलर रीजन में है, और इसके अगल बगल ये सारे हिल्स या फिर रीजन्स लाई करते हैं। यहाँ से आपका नर्मदा और तापी, नर्मदा, तापी और माही रिवर फ्लो करती है, और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने के लिए चंबल और बेतवा, चंबल और बेतवा आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और यमुना किसकी है? गंगा की। तो और गंगा आपकी कहाँ फ्लो होती है? बे ऑफ बंगाल के रीजन में फ्लो होती है, ठीक है। उसके नीचे आपका, उसके ईस्टर्न रीजन में आपका आता है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लाई करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स यहाँ पे लाई करते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू की एक और खास बात है, क्या है कि ये जो रीजन है हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, ये बहुत ही क्या कहते हैं, रिच रीजन है ऑफ कोल, और यहाँ और एक यूनिक रीजन भी है क्योंकि यहाँ पे कोल और आयरन दोनों एक साथ आपको देखने को मिलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन, ठीक है। उसके बाद अगला है मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू
जो मेघालय आपका रीजन है, कहा माना जाता है कि ये भी पहले हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट था, फिर इंडिया का ब्रेक हुआ और उस मेघालय प्लेट्यू आपके ईस्टर्न साइड में चला गया। और जो गैप है पेनिनसुलर प्लेट्यू और हिमालय प्लेट्यू के बीच में, उसको गारो राजमहल गैप या मालदा गैप भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि क्या क्या कहते हैं, गारो राजमहल गैप या मालदा गैप। गारो राजमहल क्यों? क्योंकि मेघालय में तीन हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट देखें, वेस्टर्न मोस्ट है गारो, ईस्टर्न मोस्ट है जयंतिया। और यहाँ पे आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू में राजमहल हिल्स हैं, तो गारो राजमहल गैप भी कहते हैं या मालदा गैप भी कहते हैं। उसके नीचे आता है आपका डेक्कन प्लेट्यू, नेक्स्ट है आपका डेक्कन प्लेट्यू, उसके नीचे तो नहीं, नेक्स्ट आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू। ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड है, मतलब सबसे बड़ा आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू में डेक्कन प्लेट्यू ही है, ठीक है। ये ट्राइंगुलर शेप में है और ये आपका वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स इन सबको कवर कर रखा है। फिर अगला है आपका महाराष्ट्र प्लेट्यू। महाराष्ट्र प्लेट्यू महाराष्ट्र में लाई करता है, ये डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्थन पार्ट है, बसाल्टिक रॉक से बना हुआ है जो कि लावा से ओरिजिनेट हुआ है। देखो आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू ये जो डेक्कन प्लेट्यू या डेक्कन ट्रैप्स जो कहते हैं, ट्रैप्स मतलब क्या, ट्रैप्स हैं ऐसे, आप देखोगे तो ये ऐसे एक तरीके से आप समझो ये बड़ी सी सीढ़ियां, ठीक है, ऐसे ट्रैप्स हैं, ऐसे लाई कर रहा है। ये कैसे फॉर्म हुआ है? ये फॉर्म हुआ है आपका फ्लड, बसाल्ट, प्रोवेंस लावा से, लावा से मिलके ये फॉर्म हुआ। फ्लड, बसाल्ट, प्रोविंस लावा, ये क्या है? जब आपका हमारा क्या कहते हैं इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपका नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा था, तो अफ्रीका के पास यहाँ पे एक मेडागास्कर का रीजन, वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। माना जाता है कि हमारा जब अर्थ हमारा जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस रीजन में था, तो उस समय फ्लड, बसाल्ट, प्रोविंस से जो लावा इरप्ट हुआ, उस लावा ने आपका पूरा ये महाराष्ट्र और डेक्कन प्लेटू फॉर्म किया, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो सॉइल है ये ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि आगे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो याद रखना कि डेक्कन प्लेटू किससे फॉर्म हुआ है, फ्लड, बसाल्ट, प्रोविंस, लावा से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटका प्लेटू। कर्नाटका प्लेटू को मैसूर प्लेटू भी कहते हैं, इट लाइज इन साउथ ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साउथ में है। इसकी एवरेज हाइट है 600 से 900 मीटर के आसपास। इसमें जो हाईस्ट पीक है वो है मुलनगिरी, बाबा भूटान हिल्स के ऊपर प्रेजेंट है। जो ये प्लेट्यू है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, कौन सा, मलनाथ और मैदान रीजन। ये मलनाथ और मैदान रीजन अब क्या है, देखो कर्नाटका प्लेट्यू में, अगर मैं ये कर्नाटका स्टेट अज्यूम कर लूँ, आपको इस तरफ आता है आपका कोस्टल प्लेन, ठीक है, कोस्टल प्लेन आ गया, ये हो गया आपका मलनाथ रीजन, ठीक है, यहाँ पे आपके माउंटेन्स वगैरह हैं। ये आ गया आपका प्लेन रीजन, इसको हम मैदान रीजन कहते हैं, ठीक है। मलनाथ हिली रीजन है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और जो मैदान है ये प्लेन वाला इलाका है, ठीक है, मैदान तो हिंदी वर्ड है, आप लोगों को पता भी होगा, सो ये प्लेन वाला इलाका है। तेलंगाना प्लेटू, ये जो रॉक्स हैं ये आर्कियन जेनेसिस से मिलकर बना हुआ है, इसकी हाइट 500 से 600 मीटर के आसपास है। सदर्न पार्ट इज हायर देन नॉर्दर्न पार्ट, जो सदर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेट्यू है वो हाई है नॉर्दर्न पार्ट से। इस रीजन में तीन मेजर रिवर फ्लो होती है, गोदावरी, कृष्णा, पेंदर, तो वो सब आपका तेलंगाना प्लेट्यू का पार्ट है। अब हम बात करते हैं, इसके साथ हमारा क्या कहते हैं पूरा आपका ये खत्म हो गया फिजियोग्राफी। अब हम स्टार्ट करेंगे विथ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम से अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा वो ड्रेनेज सिस्टम, तो चलिए अब ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करते हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम कई टाइप के होते हैं, मेजरली ये चार टाइप के होते हैं। डेंड्राइटिक इज ए ड्रेनेज जो पैटर्न होता है, ठीक है, पैटर्न होता है, ये चार टाइप का होता है, डेंड्राइटिक, रेडियल, सेंट्रिपिटल एंड ट्रेलिस। डेंड्राइटिक कैसा होता है? डेंड्राइटिक आपके एकदम ट्री के ब्रांचेस की तरह होता है, ठीक है, इट इज सिमिलर टू ट्री ब्रांचेस, मतलब एक मेन रिवर होगी, उसमें आपका बाकी रिवर्स आके ऐसे जुड़ेंगी, ठीक है। इस टाइप का जो आपका ड्रेनेज पैटर्न होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, ये आपका डेंड्राइटिक पैटर्न का पार्ट होता है। इसका कोई एग्जांपल
गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट। दूसरा है रेडियल। रेडियल में क्या होता है, एक रिवर जो है हिल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, हिल से ओरिजिनेट होती है और अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होती है। व्हेन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, मतलब एक ऊपर हिल से यहाँ से ओरिजिनेट हुई और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होती है। बेसिकली ये देखो, ये मेन है, टॉप है, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होती है, उस टाइप के ड्रेनेज पैटर्न को हम कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, सेंट्रीपिटल होता है, इट इज अपोजिट टू रेडियल, रेडियल का एकदम अपोजिट है। मतलब सेंट्रीपिटल में होता यह है कि अलग अलग जगह से रिवर्स जो है एक डायरेक्शन में आके मिलती। व्हेन रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन लेक और डिप्रेशन, एक लेक या डिप्रेशन, एक खाली जगह में अलग अलग डायरेक्शन से आके लेक और रिवर्स अपना पानी डिस्चार्ज करते। रेडियल में क्या था, एक टॉप पोजिशन से अलग अलग डायरेक्शन में चारों तरफ पानी निकल रहा है। सेंट्रीपिटल में क्या है, एक बॉटम वाले एरिया में अलग अलग डायरेक्शन से रिवर्स आके अपना पानी उसमें क्या कहते हैं, मिलाती, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ट्रेलिस। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न जो है, व्हेन प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन देम एट राइट एंगल्स। जब प्राइमरी ट्रिब्यूटरी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी को राइट एंगल्स पे ज्वाइन करती है, तो उस टाइप का जो ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म होता है उसे हम ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा इंडस रिवर सिस्टम। देखो, हम जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम इस का जो टॉपिक पढ़ेंगे, इंडस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ इस टॉपिक के बारे में। ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम बेसिकली दो मेजर टाइप के रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हिमालयन एंड पेनिनसुला। हिमालयन में तीन ही मेजर रिवर हैं, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुला फर्दर डिवाइडेड है वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग में मेजरली दो ही रिवर, नर्मदा एंड ताप्ती। ईस्ट फ्लोइंग में आपके कई सारे रिवर हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कई सारे रिवर हैं जिसको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी हम सबसे पहले इंडस ड्रेनेज, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दो मिनट, इंडस ड्रेनेज सिस्टम के, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इंडस जो है आपके बोकारचू ग्लेशियर, इंडस रिवर जो है ये, सॉरी, बोकारचू ग्लेशियर तिब्बत में है एक जगह, वहां से ये ओरिजिनेट हुई, ठीक है। टोटल इसकी जो लेंथ एरिया है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तिब्बत में इसको सिंधु या तिब्बत में इसको सिंधु या सिंघी खम्बम, खम्बन नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो रिवर है इसमें कई सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है और ये इंडिया में आती है, फिर इंडिया से ये सीधा आपके पीओके वाले रीजन से होके पाकिस्तान में चली जाती है। अब इसमें मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसकी पांच ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी, झेलम, सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास। ये पांच मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले झेलम से स्टार्ट कर, ए झेलम। झेलम जो है ये वेरिनाग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। श्री ये वुलर लेक से के थ्रू ये फ्लो होती है, ये पोर्ट
पूछ लेता है कि झेलम जो रिवर है ये कौन से लेक के थ्रू फ्लो होती है। तो ये वुलर लेक के थ्रू फ्लो होती है। डल लेक और वुलर लेक दो ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें आपको मे बी कंफ्यूज करे वो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब झेलम रिवर के ऊपर, झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, किशन गंगा। किशन गंगा, अब आप लोग मुझे बताओगे किशन गंगा पे एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 100% देखो 100% तो नहीं लेकिन फिर भी लग रहा है मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अभी रिसेंटली में इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट इरप्ट हुआ है। तो आपका होमवर्क है कि आप इस किशन गंगा के ऊपर जो प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है उसका नाम क्या है, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है और क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये किशन गंगा झेलम की ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। अगला रिवर जो है हमारा चेनाब। चेनाब इंडस रिवर सिस्टम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, याद रखना ये शायद 2020 या 21 के सिविल सर्विसेज एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। ये चंद्रा और भागा दो रिवर से मिलकर बनी, ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास है वहां से ये ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? रोहतांग, ये रोहतांग पास है, ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है ये रिवर, ठीक है। अब इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेनाब के ऊपर जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं या डैम्स हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में बताओ, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। और ये चीज बच्चों ये चीज याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो चेनाब के ऊपर लाहौल स्पीति, ये चेनाब लाहौल स्पीति से ओरिजिनेट होती है। इसके ऊपर पाकुल डैम, दुलहस्ती, बगलीहार, एंड सलाल प्रोजेक्ट, ये डैम और ये सलाल प्रोजेक्ट इस चेनाब रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना आप अपने नोटबुक में, ऐसे कर लेना कि चेनाब ओरिजिनेट लाहौल स्पीति, स्पीति वैली से, ठीक है, फिर पाकुल, दुलहस्ती, बगलीहार एंड सलाल, ऐसे करके आप इसको नोट्स बना लेना। अगर आप साइड बाय साइड नोट्स बनाते हुए चल रहे हो तो बहुत बढ़िया, तो ये आपको याद करना, ठीक है। नेक्स्ट रिवर के बारे में हम बात करते हैं अब, रावी रिवर। जस्ट अ मोमेंट, अब हम अगला रिवर सिस्टम जो कि अगला रिवर सिस्टम हमारा है, जस्ट अ मोमेंट, रावी रिवर। रावी जो है आपकी रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। रावी आपके रोहतांग पास हिमाचल में जो है वहां से ओरिजिनेट होती है। चंबा वैली के थ्रू ये फ्लो होती है, रावी रिवर आपके चंबा वैली के थ्रू फ्लो होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट याद करने वाली क्या चीज है, इसके ऊपर जो डैम्स है, ठीक है, रावी के ऊपर दो इंपॉर्टेंट डैम कौन कौन से, चमेरा डैम और रंजीत सागर, डैम। ये दो डैम इस रिवर सिस्टम के ऊपर सिचुएटेड। अगला है ब्यास रिवर। ब्यास जो है ये ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है, वो भी रोहतांग पास के ही पास है, ठीक है। और ब्यास रिवर के ऊपर पंदो डैम एंड पोंग डैम सिचुएटेड है। पंदो डैम एंड पोंग डैम, इस पोंग
जिसको हम महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। महाराणा, अगर पूछ ले महाराणा प्रताप सागर कहाँ है, तो ब्यास रिवर के ऊपर है। देखो, राणा प्रताप सागर अलग है और महाराणा प्रताप सागर अलग है, तो याद रखना है इसको, ठीक है। ये आपका ब्यास रिवर सिस्टम के ऊपर ये डैम सिचुएटेड। लास्ट रिवर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं, मतलब एक मेजर रिवर है, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, तो सबको ही याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट रिवर जो मेजर रिवर है, सतलज। सतलज रिवर भी आपके तिब्बत के से ओरिजिनेट होती है, नियर रक्कासतल लेक, राक्षसतल या रक्कासतल, इसे कुछ भी आप कह सकते हो, वहां से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत में इसका नाम लांग छेन खम्बाब है। तिब्बत में इसका नाम लांग छेन खम्बाब है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो रिवर है, ये इंडिया में थ्रू शिप किला पास से इंडिया में एंटर होती है। आपका सतलज रिवर इंडिया में थ्रू शिप किला पास से एंटर होती है। इस रिवर के ऊपर आपका नाभथा झाकरी, झाकरी, लुहरी, भाखड़ा नंगल, ये प्रोजेक्ट इस रिवर के ऊपर सिचुएटेड। भाखड़ा नंगल के ऊपर, भाखड़ा नंगल आप शायद लूरी के ऊपर एनडीए 2020-21 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि लूरी कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। हमारे इंडियन रिवर सिस्टम में तीन ही ऐसी रिवर है, कौन कौन सी, इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र, हिमालयन रिवर सिस्टम में, जो कि इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट है, जो कि तिब्बत, बेसिकली तिब्बत से ओरिजिनेट है। तो ये तीन ही ऐसी मेजर रिवर्स हैं जो कि बाहर से ओरिजिनेट होती है। ओके, अब जब इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ा मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि जो कि अभी रिसेंट डिस्प्यूट हुआ है, उस वजह से हो सकता है कि इसके इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ ले इंडस वाटर ट्रीटी से रिगार्डिंग, तो कुछ मिस नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको वो भी बता ही देते हैं हम, है ना। काफी इंटरेस्टिंग है, जान के आपको बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा, नॉलेज भी बढ़ेगी। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी या IWT, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 1960 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। इसको साइन किसने करवाया था, कौन सी बॉडी, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर करके इस ट्रीटी को साइन करवाया था, इंडस वाटर ट्रीटी को, ठीक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी में क्या बात हुई थी, उसमें बात हुई थी कि इंडस, झेलम और चेनाब, आपको पाकिस्तान, ये रिवर पाकिस्तान को दे दी गई, और सतलज, रावी, ब्यास, ये रिवर इंडिया को दे दिया गया इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। हुआ ये कि इसमें ये भी कहा गया कि आप ये जो इंडस, झेलम, चेनाब, ये जो रिवर्स हैं इंडिया, ऐसा कहा गया कि आप इन रिवर के पानी को यूज कर सकते हो, लेकिन जितना वॉल्यूम पाकिस्तान में जा रहा है उतना जाना चाहिए, वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप इस पानी को भी यूज कर सकते हो, इंडस, झेलम और चेनाब के वाटर के पानी को आप यूज कर सकते हो। तभी इंडिया ने झेलम रिवर के ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा,
चेनाब के किशनगंगा, वहां पे आपका एक प्रोजेक्ट फॉर्म किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया, और एक चेनाब के ऊपर भी राटले प्रोजेक्ट है। कौन सा है याद रखना, एग्जाम में पूछेगा। राटले प्रोजेक्ट, ये भी चेनाब के ऊपर ये प्रोजेक्ट इंडिया बना रहा है, और पाकिस्तान ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज़ किया। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कि अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो, अच्छा अब ये ट्रीटी अभी न्यूज़ में क्यों आई है, पहले ये जान लेते हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को एक नोटिस इशू किया है कि आप 90 दिनों में, 90 डेज आप आंसर करें, ठीक है, आप 90 दिनों में आंसर करें, या तो आप अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लें, या तो हम 90 दिनों के बाद इंडस वाटर ट्रीटी के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे आपसे, कि अब हम इस ट्रीटी को मॉडिफाई करते हैं, ये 60 साल पुरानी ट्रीटी है, चीजें बहुत बदल गई हैं, तो अब इसके मॉडिफिकेशन के बारे में अब हमें बात करनी चाहिए। अब इसमें डिस्प्यूट रिजॉल्व, अगर मान लीजिए कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होगा? डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने तीन मैकेनिज्म फॉर्म किए। पहला, दोनों कंट्रीज को ऐसा कहा गया है कि इंडस आप एक कमिश्नर अपॉइंट करेंगे, इंडस वाटर कमिश्नर, ठीक है, दोनों कंट्रीज अपने अपने कमिश्नर अपॉइंट करेंगे, अगर किसी को डिस्प्यूट होता है तो वो दोनों कमिश्नर आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं, कमिश्नर। सेकेंड, अगर ये नहीं हुआ तो सेकेंड आप किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट को वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगी, और वो न्यूट्रल एक्सपर्ट बैठ के इसके ऊपर जजमेंट दी। लेकिन ये एक मतलब प्रोसेस में ही होना चाहिए, सबसे पहले कमिश्नर लेवल पे बात होगी, कमिश्नर लेवल पे नहीं हुई तो फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट पे जाएगा, न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे जाएगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। लेकिन ये तीनों जो सिस्टम है, ये तीनों चीजें एक मतलब सीक्वेंस में होनी चाहिए, सबसे पहले कमिश्नर, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट, फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आप सीधा कमिश्नर से इधर जंप नहीं मार सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पाकिस्तान ने किया ये कि कमिश्नर से जब डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ तो उसने न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग की। न्यूट्रल एक्सपर्ट जब अपना काम कर रहे थे तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक के पास गए और बोला कि हमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चाहिए, तो उस इशू, वो एक इशू क्रिएट हुआ दोनों के बीच में, कि जब आपका एक सीक्वेंस बैठा हुआ है, एक तरीके से आप कर सकते, तो आप ऐसे जंप कैसे कर रहे हैं? तो ये बेसिकली आपका डिस्प्यूट है, और ये रटले प्रोजेक्ट आप ध्यान रखना, और दूसरा किशनगंगा के ऊपर प्रोजेक्ट है जिसका नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो ये दो चीज आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम। नेक्स्ट रिवर है हमारी गंगा रिवर सिस्टम। गंगा आपकी गंगोत्री ग्लेशियर के पास एक गौमुख नाम की जगह है, गौमुख, वो यहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब गंगा रिवर सिस्टम डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ पंच प्रयाग डिस्कस करना चाहूंगा। पंच प्रयाग आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पंच प्रयाग क्या है, इस ऊपर से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे टॉप में पंच प्रयाग है, पांच पांच वो पोर्शन जहाँ पे दो रिवर्स का आपस में कॉन्फ्लुएंस होता है। सबसे ऊपर है आपका विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन कौन से रिवर हैं? अलकनंदा एंड धौली गंगा, धौली गंगा, ये दो रिवर्स आते हैं विष्णु प्रयाग में, मिलते हैं, ये जहां मिलते हैं उस जगह को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। नीचे चलते हैं, अब ये जो रिवर दोनों मिली, कॉन्फ्लुएंस हुआ विष्णु प्रयाग में, ये जो रिवर चल रही है, इस रिवर को का नाम अब पड़ जाता है अलकनंदा। अब इसका नाम है अलकनंदा, फिर अलकनंदा में आपकी नंदाकनी रिवर आके मिलती, नंदाकनी रिवर मिलती है। इस जगह का नाम क्या पड़ता है? नंद प्रयाग। नंदाकनी रिवर आके मिलती है और इस जगह का नाम नंद प्रयाग पड़ता है। फिर ये रिवर नीचे चलती है, ऑल्दो
ये जगह का नाम नंदप्रयाग है, लेकिन यहाँ पे जो ये अलकनंदा और नंदाकिनी मिली, तो ये जो रिवर जो चलती रहेगी वो रिवर है, अलकनंदा ही उसका नाम रहेगा। ठीक है, फिर नीचे ही अगला प्रयाग बनाएगी जिसको हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में आपकी कौन सी रिवर आके मिलती है अलकनंदा के साथ? पिंडर। ध्यान रखना ये पांचों, ये जो पंच प्रयाग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैं इसको इतने डिटेल में करवा रहा हूँ। फिर आपके पिंडर आके मिलती है कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से, लेकिन इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। ठीक है, कर्ण प्रयाग के बाद फिर इस रिवर में एक रिवर आके मिलती है मंदाकिनी, मंदाकिनी, और इस जगह का नाम क्या पड़ता है? रुद्र प्रयाग। इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ता है। फिर ये रिवर नीचे की तरफ चलती है और लास्ट वाले जो प्रयाग है उसका नाम है देव प्रयाग। और देव प्रयाग में कौन सी रिवर, लेकिन ये जो रिवर चल रही है इसका नाम अलकनंदा ही रहेगा, ठीक है, याद रखना। अलकनंदा धौली गंगा मिली विष्णु प्रयाग में, और फिर ये रिवर अलकनंदा के नाम से ही यहाँ तक आई। देव प्रयाग में इससे आके मिलती है भागीरथी, और तब जाके इस रिवर का नाम पड़ता है गंगा। ठीक है, तब जाके इस रिवर का नाम पड़ता है गंगा रिवर। अब गंगा रिवर, या आप समझ गए कि गंगा रिवर ये और पंच प्रयाग के बारे में। अब आपसे मैं गंगा रिवर को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मैं इन सबको रब कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, वो वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब गंगा रिवर सिस्टम में जो गंगा है इसमें कई सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी आके मिलती हैं, और उन ट्रिब्यूटरीज को अब हम ध्यान से देखते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब कौन सी रिवर को हम लेफ्ट कहते हैं, कौन सी को राइट? देखो, गंगा जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, आप अपने आप को उस डायरेक्शन में रखो, आपके लेफ्ट हैंड साइड से जो भी रिवर आके गंगा में मिलेगी मेन रिवर सिस्टम में, उसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और राइट हैंड साइड से जो मिलेगी उसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहेंगे। लेफ्ट साइड से कौन कौन सी रिवर आके मिलती है? राम गंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से कौन 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 सी रिवर है इसमें? यमुना, सोन और हुगली। ठीक है, अब इन सबको एक एक करके हम देखते हैं। रामगंगा, सबसे पहले रामगंगा आपके गैरसैंड हिल्स से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, रामगंगा, आरजी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो रामगंगा आपके गैरसैंड हिल्स से ओरिजिनेट होती है, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये रिवर आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से के थ्रू फ्लो होता है। सो अगर पूछ ले कभी कि ये कौन से उससे फ्लो होता है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। नेक्स्ट है गोमती। गोमती आपके नॉर्थ यूपी से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ यूपी, और लखनऊ जो शहर है वो गोमती पर है, ठीक है, सो ये इसका इंपॉर्टेंट है। फिर घग्गर, घग्गर आपके दो ट्रिब्यूटरी से ये ओरिजिनेट होती है, मैप्चा चुंगो ग्लेशियर जो नेपाल में है, इसमें दो ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है, काली एंड करनाली, ये दोनों आके मिलती हैं, फिर ये नदी का नाम घग्गर पड़ता है। ठीक है, अयोध्या, फैजाबाद, ये सारी जो रिवर्स हैं ये आपके क्या कहते हैं, घग्गर पे लाई करते हैं। घग्गर छपरा में गंगा से मिलती है,
ठीक है। उसके बाद है अगला गंधक। गंधक दो रिवर से मिलके बनती है, काली गंधक और त्रिशूल गंगा, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके पटना के पास गंगा रिवर से आके और मिलती है। और लास्ट है आपकी कोसी। कोसी जो है इसको सौरव बिहार भी कहते हैं, क्यों? जो मैंने सेम रीज़न आपको दिया था कि ब्रह्मपुत्र वाला, जब मैं आपको फिजियोग्राफी में असम प्लेन्स पढ़ा रहा था, सेम रीज़न है, इसे सौरव बिहार कहते हैं। सो ये है आपके गंगा रिवर सिस्टम के मेजर मेजर आपके रिवर्स और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के रिवर्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और ये मेरा नया जो तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, ये भी आपको सही लग रहा होगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे इम्पोर्टेंट पहले यमुना। यमुना आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, यमुनोत्री, यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो हैं, यमुना की इम्पोर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं, उनमें है टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। ये इसकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। टोंस रिवर भी जो है, ये जो आपका यमुनोत्री, यमुना जो है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। यमुनोत्री ग्लेशियर में एक बंदर पूंछ नाम की एक पीक है, बंदर पूंछ नाम की एक पीक है, उसके पास से ओरिजिनेट होती है। टोंस भी वहीं से सेम प्लेस से ओरिजिनेट होती है, और ये यमुना को एज यमुना की एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट की तरफ से आके मिलती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो रिवर है ये विंध्यास माउंटेन से ओरिजिनेट होते हैं, और ये विंध्यास से ओरिजिनेट होते हैं और गंगा, ये यमुना में आके मिलते हैं। दिल्ली, आगरा और मथुरा, ये जो शहर है ये आपके यमुना रिवर के ऊपर बसे हुए। एक और इम्पोर्टेंट चीज, बनास। बनास एक रिवर है जो कि आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये अरावली से ओरिजिनेट होती है, अरावली माउंटेन से। बनास चंबल में मिलती है, चंबल यमुना में मिलती है, और यमुना गंगा में। तो ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब हमने चंबल की बात कर ही रहे हैं, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको चंबल के बारे में बताना चाहूँगा। चंबल के ऊपर राणा प्रताप सागर, सागर डैम है। मैंने आपको बता रहा था ना, एक महाराणा प्रताप सागर है और एक राणा प्रताप सागर है, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर किसके ऊपर है? ब्यास के ऊपर है, और राणा प्रताप सागर किस पे है? चंबल के ऊपर, ये डैम है। यहाँ पे एक रावत भाटा, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसके ऊपर सिचुएटेड, ठीक है। सो ये दो चीज याद रखना, ये कहाँ पे है? चंबल के ऊपर सिचुएटेड है, रावत भाटा और राणा प्रताप सागर। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप लोगों ने टिहरी डैम का नाम सुना है, ठीक है, टिहरी डैम का नाम सुनाओ। टिहरी डैम कहाँ पे सिचुएटेड है, कोई बता सकता है? कौन से रिवर पे? ये भागीरथी रिवर पे सिचुएटेड है ये डैम, ठीक है। तो याद रखना, पूछा हुआ है ये प्रीवियस ईयर में, ठीक है, कि कौन से उस पे सिचुएटेड है? भागीरथी पे। अब आगे डिस्कस करते हैं।
अब अगला रिवर है सोन रिवर। सोन रिवर आपके अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट, अमरकंटक प्लेटू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं स्टार मार्क करके कह रहा हूं। अमरकंटक प्लेटू से दो रिवर ओरिजिनेट होती है, एक नॉर्थ की तरफ जाती है और एक साउथ में आती है। नॉर्थ की तरफ कौन सी जाती है? सोन। साउथ में कौन सी आती है? नर्मदा। ठीक है, तो ये अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, ये पटना के पास आके गंगा से मिलती है, पटना के पास आके गंगा से मिलती है। इसके ऊपर गोविंद वल्लभ सागर, सोन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है रिहांड रिवर, और रिहांड के ऊपर एक गोविंद गोविंद वल्लभ सागर डैम सिचुएटेड है, गोविंद वल्लभ पंत डैम सिचुएटेड है। ठीक है, सो ये याद रखना, सोन के ऊपर गोविंद वल्लभ पंत डैम सिचुएटेड। लास्ट है गंगा की जो हुगली, हुगली बेसिकली गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ये रिवर गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब, देखो जब गंगा अपने लास्ट स्टेज पे रहती है, ओल्ड स्टेज पे रहती है, तो उसमें बहुत ज्यादा सेडिमेंट, बहुत ज्यादा उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। इनिशियल स्टेज में वो हल्की रिवर रहती है, सेडिमेंट्स उतने नहीं रहते हैं, लेकिन लास्ट में उसमें इतने सारे जो क्या कहते हैं ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही है, वो सब अपना सेडिमेंट ला रही है, तो लास्ट में इसका वजन बहुत बढ़ जाता है, जिस वजह से इसको ये जिस वजह से इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और वहां से फिर ये रिवर टूट जाती है। तो ये जो रिवर, एक रिवर जो इससे टूटती है, उसको हम कहते हैं हुगली रिवर, मेजर रिवर जो इससे टूटती है, तो उस टूटने को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब कि मेन रिवर सिस्टम में पानी ऐड कर रही है, और डिस्ट्रीब्यूटरी मेन रिवर सिस्टम से पानी लेके जा रही है। ठीक है, सो ये है। नेक्स्ट हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है यह आपके असम के प्लेन्स में फ्लो करती है। इसकी लेफ्ट बैंक, मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है दिहिंग और धनसिरी रिवर, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सुबानसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोच रिवर, ये इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें इतना ही आप याद रखना। और हाँ, ब्रह्मपुत्र जो है ये धुबरी, धुबरी असम में एक जगह है, देखो ये इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, ये आपके कहाँ से एंटर करती है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कैलाश रेंज में चेमिया दुंग चेमयुंग दुंग नाम के ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ये इंडिया में एंटर करती है, और फिर असम में एक जगह है धुबरी नाम की, वहां से ये एकदम 90 डिग्री टर्न लेती है और बांग्लादेश में एंटर होती है। ये क्वेश्चन CDS 120 में पूछा गया है कि कहाँ से ये टर्न लेती है, तो धुबरी नाम की जगह से ये टर्न लेती है और बांग्लादेश में एंटर होती है। ठीक है, सो ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें इतना ही पूछेगा, इसमें ज्यादा चीजें नहीं पूछता है। ठीक है, एक हाँ, एक रिवर तिस्ता है, तिस्ता रिवर भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी में काउंट होता है। ठीक है, सो यही है आपके ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से भी पुराने हैं। हिमालय, देखो पेनिनसुलर इंडिया तो हमारा पहले से ही था, हिमालय कब बना? हिमालय तब बना जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई, और इस टकराने की वजह से फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हुए, जिसको अब आज की डेट में हम कहते हैं हिमालय। ठीक है, तो पेनिनसुलर अगर सिस्टम पहले से था, तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, यहाँ पे रिवर्स भी पहले से ही थी, तो ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से ओल्ड है। ठीक है, दूसरा यहाँ का जो रिवर है वो काफी सीजनल है। हिमालयाज में देखो, हिमालयाज में बरसात से तो पानी आता ही है, दूसरी चीज ग्लेशियर के पिघलने से भी वहां पे पानी आता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ बारिश से ही पानी आता है, मेजरली पानी आपके बारिश से ही आता है, तो उस वजह से ये सीजनल रिवर है कि जब बारिश का मौसम होगा इसमें पानी काफी होगा, उसके बाद ये बहुत लो इसमें पानी हो जाता है। ठीक है,
तीसरे इंपॉर्टेंट चीज, ये छोटी रिवर्स होती हैं एज कंपेयर टू हिमालयस, हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम काफी बड़ी है, ये छोटी और मतलब ज्यादा गहरी भी नहीं है, शैलो रिवर्स हैं। ठीक है, अब हम पहले बात करेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। देखो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, पेनिनसुलर जब मैंने आपको पढ़ाना है तो पेनिनसुलर को दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग मतलब वो रिवर्स जो कि आपके अरेबियन सी में जाके अपने पानी को डिस्चार्ज करते हैं, जो वेस्ट की तरफ फ्लो होते हैं, उसको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से हमें मेजर रिवर्स पढ़ने हैं? नर्मदा, ताप्ती और लूनी। बाकी जो एक दो स्मॉल छोटी रिवर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बाकी है आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आपकी मेजर कौन कौन से रिवर हैं? गोदावरी। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो रिवर हुई जो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डिस्चार्ज कर रही है, इसमें कौन कौन सी आ गई? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, पेन्नर, महानदी, बहुत सारी रिवर्स हैं। ठीक है, तो इन सबको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले नर्मदा रिवर सिस्टम को देखते हैं। नर्मदा, जब मैं सोन करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू से दो रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है, एक कौन सी? नर्मदा, एक सोन। ये अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट हुई, ठीक है। ये विंध्यास एंड सतपुरा माउंटेन रेंज के बीच से फ्लो होती है। देखो यहाँ पे आपके विंध्यास हैं, यहाँ आपके आपके सतपुरा हैं, बीच में आपकी नर्मदा फ्लो होती है, सतपुरा के साउथ में आपकी ताप्ती फ्लो होती है। ठीक है, विंध्यास, नर्मदा, सतपुरा, ताप्ती, ठीक है। इसके ऊपर एक फेमस वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल आपके एमपी में जबलपुर, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये सिचुएटेड। ये रिवर एस्चुरी फॉर्म करती है, ठीक है, 27 किलोमीटर लंबी ये एस्चुरी फॉर्म करती है, और ये भरूच में, गुजरात में एक जगह है भरूच, वहां पे जाके ये रिवर अरेबियन सी से जाके मिल जाती है। तो ये है आपका नर्मदा रिवर सिस्टम के बारे में। नर्मदा का जो माउथ है, ठीक है, वहाँ उस जगह को हम कहते हैं, वहाँ पे एक आलिया भट्ट नाम का एक लोकेशन है, ठीक है, आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट है, याद रखना, लोग आलिया भट्ट करने लगोगे। अब एक मेजर चीज जो कि इसमें मेरे को आपको पढ़ानी है कि नर्मदा के ऊपर जो इम्पोर्टेंट डैम्स है या जो भी चीजें हैं वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा। नर्मदा के ऊपर आपके कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स और प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। सरदार सरोवर डैम के ऊपर आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड है। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी स्टैचू है, कौन से वो फिगर का स्टैचू है, वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। सो ये रहा आपका नर्मदा रिवर सिस्टम के सारी इंपॉर्टेंट बातें। अब हम अगला रिवर जो है ताप्ती, उसके बारे में अब हम बात करें। आप लोगों को कुछ भी डाउट आ रहा हो ना तो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। कमेंट, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, और आप लोगों का कोई भी डाउट होगा मैं उसको आंसर करूंगा और आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया है तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको अच्छे से हम अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। चलो इधर स्टार्ट करते हैं। ताप्ती ये मुल्ताई मुल्ताई नाम की जगह से, मुल्ताई एक बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये रिवर आपके सतपुरा के साउथ में, मैंने आपको बताया था विंध्यास, नर्मदा, सतपुरा, ताप्ती, ये साउथ ऑफ सतपुरा।
साउथ ऑफ सतपुरा में लाई कर, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंट एक ट्रिब्यूटरी है पूर्णिया, याद रखना। ये 720, ये बहुत छोटी रिवर्स है, ठीक है। इसका देखो, इसका लेंथ है 724 किलोमीटर, वही गंगा का जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर। देखो कितनी छोटी है ये रिवर, ठीक है, और 1/3 से भी छोटी है। ये रिवर सूरत के पास जाके आपकी मर्ज होती है इन अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी में ये सूरत के पास जाके मर्ज होती है। अब इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स और डैम्स हैं वो आप देख लो। इसके ऊपर एक बहुत इम्पोर्टेंट डैम है, इम्पोर्टेंट है उकाई डैम, ठीक है। और एक इसके ऊपर इम्पोर्टेंट काकरापोर न्यूक्लियर पावर प्लांट, भी सिचुएटेड है, ठीक है। काकरा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट इसके ऊपर सिचुएटेड है। सो ये आपका ताप्ती रिवर के बारे में हो गया। अगली रिवर हम लूनी रिवर की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसी कौन सी रिवर है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है ना, इंडिया से पास होती है, तो वो कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, बताओ मुझे। चलो, माही रिवर जो है ना आपकी, इट क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ये क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ये दो बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती। चलो लूनी रिवर के बारे में बात करते हैं। लूनी राजस्थान की इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है, ठीक है, आपको पता ही है। ये अरावलीज हिल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। पुष्कर नाम की एक जगह है, वहां से ये ओरिजिनेट होते हैं। ये रिवर जो है ये इनलैंड ड्रेनेज फॉर्म करती है, मतलब ये सीधा आपका अरेबियन सी में जाके नहीं मिलेगी, ये आपके रन ऑफ कच्छ में जाके वहां पे जाके डिसअपियर हो जाएगी। तो ये इनलैंड ड्रेनेज फॉर्म करती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख। सो ये था आपका पूरा वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अच्छा हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़ेरोस्पा फॉल, या जॉग फॉल्स, ये कौन से रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ये पूछा गया है। ये कई बार सीएपीएफ, एनडीए, एनडीए में तो हाँ, एक दो बार एनडीए में भी, सीडीएस में पूछा गया, ज़ेरोस्पा फॉल या जॉग फॉल कहाँ पे, कौन से रिवर पे सिचुएटेड है। तो ये शरावती रिवर, शरावती एक स्मॉल रिवर है कर्नाटका की, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, बहुत ही स्मॉल वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उसके ऊपर आपका ये जॉग फॉल सिचुएटेड, ठीक है। अगला अब हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात करेंगे। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहले महानदी रिवर, महानदी रिवर आपका 1.4 बिलियन स्क्वायर, इसका जो महानदी रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है ये इतना है, 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये मैकार रेंजेस से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। महानदी इज वन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर मोस्ट, ये महानदी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है। इसमें इसका वॉल्यूम बहुत हाई है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, वाटर, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ओके। इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस डैम है, हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम महानदी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। अगला रिवर बात करते हैं, अगला है हमारा गोदावरी। गोदावरी बहुत ही वो पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, त्र्यंबकेश्वर हिल्स, त्र्यंबकेश्वर हिल्स से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इसका जो लेंथ है ये 1465 किलोमीटर का है, ये 1465 किलोमीटर लंबी रिवर है।
ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये मतलब बहुत बड़ी रिवर है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। क्या इसकी अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सिलेरू, सवारी, इंद्रावती, उसके बाद प्राणहिता। प्राणहिता तीन रिवर्स से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी कौन सी है? मंजरा। ठीक है, सो ये इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब गोदावरी के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स वगैरह सिचुएटेड हैं ये देख लेते हैं हम। गोदावरी के ऊपर आपका निजाम सागर, सागर डैम, कालेश्वर, कालेश्वरम, श्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट और पोलावरण लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इसके ऊपर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपकी कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर गोदावरी के साउथ में आती है। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाबलेश्वर, महा बलेश्वर वेस्टर्न घाट्स में एक महाबलेश्वर नाम की जगह है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको उसका नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूछ लेता है। लेफ्ट बैंक में है मूसी, सीमा एंड भीमा। सॉरी सॉरी, ये मैंने उल्टा कर दिया। मैं लिख ही देता हूँ। ठीक, इसकी इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है मूसी, सीमा एंड भीमा। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा एंड हगारी। ये इसकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब इसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। इसके ऊपर आपका कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दूसरा अलमाती डैम। तीसरा श्रीसेल्लम डैम, फिर नागार्जुन सागर डैम, ये सारे डैम इस रिवर के ऊपर, कृष्णा रिवर के ऊपर सिचुएटेड हैं। ठीक है, अब अगला हम डिस्कस करते हैं कावेरी रिवर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिवर कावेरी के बारे में। कावेरी से पहले बीच में एक रिवर आती है पेंदर। ठीक है, बहुत छोटी रिवर है। कृष्णा और कावेरी के बीच में एक रिवर आती है पेंदर, या पेन्नरू भी कहते हैं। यह नंदी दुर्ग दुर्ग हिल्स से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, कर्नाटका में है नंदी दुर्ग हिल्स, मैंने बताया था बाबा बुद्धा, वो कर्नाटका में नंदी दुर्ग हिल्स, वहां से ये ओरिजिनेट होती है पेन्नर रिवर। पेन्नर के बाद उसके साउथ में आती है कावेरी। कावेरी आपकी ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, कावेरी एक ऐसी रिवर है जिसमें पानी जो है बाकी पेनिनसुलर रिवर के कंपैरिजन में साल भर रहता है और ज्यादा पानी रहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा ये इसलिए है क्योंकि इसके अपर कैचमेंट एरिया में जो कावेरी है, इसका जो अपर कैचमेंट एरिया है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स से पानी ले लेता है, और लोअर कैचमेंट इसका नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से।
अब ये साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ये क्या है, ये जब मैं आपको क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा, अभी आप इतना ही याद रखिए। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है शिमशा एंड हेमवती, और राइट बैंक है कबानी, भवानी, नोएल, अमरावती। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। कावेरी रिवर के ऊपर मेतुर डैम सिचुएटेड है, मेतुर डैम सिचुएटेड है, और एक और इंपॉर्टेंट डैम है कृष्णा राजा सागर, कृष्ण ना राजा सागर डैम, वो भी कावेरी के ऊपर सिचुएटेड। ठीक है, सो ये आपके कावेरी रिवर सिस्टम के बारे में हो गया। कावेरी के बाद उसके कावेरी के साउथ में एक रिवर है वैगई रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर है? वैगई रिवर, कावेरी के साउथ। अच्छा, ये जो मैंने पैटर्न करवाया ना, इसी पैटर्न में याद आता है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी, वैगई। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता है, सो ये पैटर्न याद रखना। सो ये आपका पूरा आपका ड्रेनेज सिस्टम अब कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, अब बच्चों, अब हम सॉइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, ये हमारी वीडियो का थर्ड मेजर टॉपिक। सॉइल्स बेसिकली क्या है? सॉइल्स है और इज डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, विच हेल्प्स टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स जब मिलते हैं और प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं तो उसे हम सॉइल्स कहते हैं। एंशियंट टाइम्स में सॉइल को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते थे, उर्वरा मतलब फर्टाइल सॉइल और उसरा मतलब स्टराइल सॉइल। तो ये दो मेजर पार्ट में हम एंशियंट टाइम में सॉइल्स को क्लासिफाई करते थे। अच्छा, ये जो चार्ट, ये जो डायग्राम है, ये मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से उठाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख। देखो, इंडिया में जो सॉइल है उसमें सबसे मेजर जो सॉइल है वो इंसेप्टिसोल है, ये अराउंड 40%, 39.74% एग्जैक्टली है। ठीक है, फिर एंटीसोल, एल्पीसोल, वर्टीसोल, आरडीसोल, यूल्टीसोल्स, मॉलीसोल्स एंड अदर्स, ये इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली CDS 1 2020 में पूछा गया है कि कौन सी सॉइल इंडिया में मेजरली प्रेजेंट। तो इंसेप्टिसोल सॉइल CDS 1 2021 में, शायद आई एम नॉट रॉन्ग, CDS 1 2021 में, लेकिन ये एक PYQ है। तो इंसेप्टिसोल सॉइल इंडिया मेजर सॉइल है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सॉइल, इंडिया में कौन कौन से टाइप के सॉइल हमें देखने को मिलते हैं? एलुवियल, रेड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल बेसिकली, ब्लैक सॉइल जिसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं, एरिड सॉइल, लैटराइट सॉइल, सलाइन सॉइल, पीटी और मार्शी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड स्नोफील्ड। स्नोफील्ड कोई सॉइल नहीं, मतलब बेसिकली स्नो का वो हो गया, ग्लेशियर्स वाला रीजन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल से। तो एलुवियल सॉइल इंडिया में वाइडली स्प्रेड है, ये अराउंड 40% टोटल हमारे लैंड, टोटल जो सॉइल है उसका 40% सॉइल एलुवियल सॉइल है। ठीक है, दी सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, इन सॉइल्स को हम डिपोजिशनल डिपोजिशनल ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स भी कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स भी कहा जाता है। ठीक है, दीज सॉइल्स आर रिच इन दीज सॉइल्स आर रिच इन पोटैश। ठीक है, पोटैश में ये रिच होते हैं और पुअर इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन में ये पुअर होते हैं, इनमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन कंटेंट बहुत कम होता है। खादर और भांगर, इसके दो पार्ट्स हैं, खादर और भांगर, खादर न्यू एलुवियल, भांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, इसका जो टेक्सचर है, इसका जो नेचर है, नेचर जो है ये सैंडी लोम से टू क्ले वेरी करता है। ठीक है,
ये सैंडी लूम और क्ले, ये क्या है? ये मैंने आपको जब ज्योग्राफी के लेक्चर्स करवाए थे उसमें था। अभी के लिए आप इस इन टर्म्स को याद कर लो, क्योंकि सैंडी लूम टू क्ले, क्योंकि ये उस वाले क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल के बारे में इतना ही है। मेजर चीज़ें जो पूछा जा सकता है कि ये 40% है, दीज आर डिपोजिशनल सॉइल, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाई रिवर बॉडीज, दे आर रिच इन पोटैश, पुअर इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, इसका जो टेक्सचर है ये सैंडी लूम टू क्ले, ये वेरी करता है। अगला हमारा रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल ये लो रेनफॉल वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। दीज आर पोरस एंड फ्लेबल स्ट्रक्चर, ये पोरस होते हैं। इनमें आपको कंकड़ देखने को मिलता है, कंकड़ जो कैल्शियम, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, वो आपको देखने को मिलता है। दे आर डेफिशियंट इन लाइम, फॉस्फेट, मैगनीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटैश, इन चीज़ों में इसकी कमी होती है। इसका कलर रेड होता है ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। व्हेन आयरन डिफ्यूजेस इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इट अक्वायर्स रेड कलर। रेड कलर इस सॉइल का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि जब ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड, जब आयरन जो है वो डिफ्यूज होता है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक में, तो वो लाल रंग अक्वायर कर देता है। जब ये रेड सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो ये आपको येलो कलर में दिखाई देती है। ठीक है, इसका टेक्सचर भी सैंडी टू क्ले ही होता है। ठीक है, ये आपका वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करती हैं। अगला हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, इसका दूसरा नाम है रेगुर सॉइल। ये आपको डेक्कन प्लेटू के रीजन में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा देखने को? डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा। इसको रेगुर सॉइल कहते हैं, ब्लैक सॉइल कहते हैं, या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉटन के प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है। ठीक है, इस सॉइल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि ये स्वेल होती है व्हेन इट बिकम्स स्टिकी। जब इसमें पानी पड़ता है तो ये स्वेल होती है और स्टिकी हो जाती है। ठीक है, और जब इसमें से पानी ये डिहाइड्रेट होती है, इसमें पानी नहीं रहता, तो ये सेल्फ प्लॉगिंग, याद रखना इस टर्म को, सेल्फ प्लॉगिंग, सेल्फ प्लॉगिंग की कैरेक्टरिस्टिक इसमें होती है। सेल्फ प्लॉगिंग मतलब कि मिट्टी फट जाती है, मिट्टी फट जाती है जब इसमें पानी रहेगा, तो ये स्वेल हो जाएगी और स्टिकी हो जाएगी, और जब पानी इसमें नहीं रहेगा तो ये इसकी मिट्टी, ये मिट्टी फट जाती है। ठीक है, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं सेल्फ लॉग। ये कॉटन को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब ये जो सॉइल है, ठीक है, इसमें आपका लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिनिया, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड पोटैश, ये सब इसमें काफी अच्छे क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ये सॉइल इट लैक्स इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। दिस सॉइल लैक्स इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर, इन चीजों में ये लैक करती है। अगला सॉइल है हमारा लैटराइट सॉइल। ये सॉइल आपके हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल वाले रीजन में आपको देखने को मिलती है। इस सॉइल की प्रॉपर्टी है कि इसमें इंटेंस लीचिंग टेक्स प्लेस, इसमें इंटेंस लीचिंग आपको देखने को मिलता है। जब बारिश होती है, जब लीचिंग होती है, सिलिका और लाइम सॉइल के अंदर चला जाता है। ठीक है, सिलिका और लाइम अंदर नहीं, सिलिका और लाइम लीच जब है ये निकल के बाहर चला जाता है, और ये जो सॉइल है इट बिकम्स रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, ये जो सॉइल है ये आपका कैशियो और ट्रीज को
सपोर्ट करती है, ठीक है? ये सॉइल मेनली आपके ब्रिक फॉर्मेशन के लिए यूज होती है, ठीक है? इसके अलावा ये जो सॉइल है, इट इज ऑल्सो सुइटेबल फॉर सिंकोना, रबर, एरिकेन नट, इन चीजों ये जो प्रोड्यूसेस हैं, इन प्रोड्यूसेस को भी लैटराइट सॉइल सपोर्ट करती है। अगला है हमारा डेजर्ट एंड एरिड सॉइल। ये जो सॉइल है ये सैंडी स्ट्रक्चर होता है इसका, इट इज सैंडी स्ट्रक्चर, और इसका जो नेचर है वो सलाइन होता है, इसमें नमक का कंटेंट काफ़ी हाई होता है, ठीक है? नाइट्रोजन इसमें बहुत, नाइट्रोजन और फॉस्फे नाइट्रोजन इसमें इनसफिशियंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इज इनसफिशियंट, एंड फॉस्फेट इज नॉर्मल, फॉस्फेट ठीक ठाक क्वांटिटी में मिल जाता है। ये जो सॉइल है इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है, जिस वजह से ये क्रॉप्स को या ये क्रॉप्स को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है? ह्यूमस कंटेंट और ऑर्गेनिक मैटर इसमें बहुत कम होता है, जिस वजह से ये क्रॉप्स को सपोर्ट नहीं कर पाती। नेक्स्ट है हमारा पीटी एंड मार्शी सॉइल। पीटी और मार्शी सॉइल हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इसमें आपका ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट काफी हाई होता है, ठीक है? काफी अच्छे क्वांटिटी में ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ये यूजुअली आपका डार्क कलर, ये हैवी सॉइल, ये सॉइल हैवी होती है और डार्क कलर की आपको देखने को मिलती है, ठीक है? नेक्स्ट इज योर फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ये फॉरेस्ट में ही मिलती है, ठीक है? इसमें आपका क्या कहते हैं, जो ह्यूमस कंटेंट है वो बहुत हाई होता है, नियरली 40% के आसपास होता है, जो कि आपका प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है? इस ये फॉरेस्ट सॉइल में ज़्यादा कुछ है नहीं। माउंटेन सॉइल, अब माउंटेन सॉइल वो सॉइल है जो कि आपके माउंटेनियस रीजन में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? ये अलग अलग टाइप का होता है, डिपेंडिंग अपॉन रेंजिंग अपॉन दी हाइट्स, ठीक है? जैसे हाइट्स बढ़ती हैं तो माउंटेन सॉइल में भी चेंजेस आते हैं। माउंटेन सॉइल बेसिकली आपको अगर समझना है तो आपको माउंटेन वेजिटेशन समझना हो, और माउंटेन वेजिटेशन मैंने अगला जो टॉपिक है हमारे नेचुरल वेजिटेशन का उसमें डिस्कस किया आप लोगों के साथ, तो वो जब करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि जो प्लांट्स, ठीक है, किसी रीजन में नेचुरली ग्रो होते हैं, ठीक है, उस टाइप के वेजिटेशन को हम कहते हैं, प्लांट्स ट्रीज जो वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अब जो हम घर में जो ऑर्चर्ड्स वगैरह लगाते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, आर दे ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन? तो नो, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है? नेचुरल मतलब खुद से ग्रो हो रहा है, उनमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता। अब डिफरेंट टाइप के नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में प्रेजेंट है, कौन कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, सॉरी मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट एंड सेमी डेजर्ट और डेजर्ट वेजिटेशन, ठीक है?
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब किस टाइप के फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहेंगे? तो हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहेंगे उस फॉरेस्ट को जहाँ पे आपके एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर्स, ठीक है, एंड योर मीन टेम्परेचर इज मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस। उस टाइप के फॉरेस्ट को हम कहेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे आपके कौन कौन से स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे? रोजवुड, महोगनी, एनी एंड इबोन। ये सारे स्पीशीज आपके प्लांट स्पीशीज आपको देखने को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट चीज, ये आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको किस रीजन में देखने को मिलेगा? ये अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है। तो ये आपको वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, अंडमान निकोबार हिल्स, इस रीजन में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज योर डेसीडियस फॉरेस्ट। डेसीडियस फॉरेस्ट दो टाइप में हम पढ़ते हैं, वेट मॉइस्ट डेसीडियस एंड ड्राई डेसी। मॉइस्ट डेसीडियस को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल के का जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे कौन कौन सी ट्रीज आपके होती हैं? टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, ये सारी ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आंवला, और भी जैसे आंवला हो गया, सैंडलवुड हो गया, ये सब आपको इस रीजन में देखने को मिलता है। मॉइस्ट डेसीडियस मॉनसून फॉरेस्ट ये इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता है। इट इज द लार्जेस्ट, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट। नेक्स्ट इज योर ड्राई डेसीडियस। ड्राई डेसीडियस 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपके 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले रीजन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कौन कौन से प्लांट स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे? तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड, ये सारे पेड़ आपको इस रीजन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज योर माउंटेन फॉरेस्ट। और माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट हम जो है दो पार्ट में पढ़ते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट को देखो, इसमें दो पार्ट है, नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड सदर्न माउंटेन्स। नॉर्थ, अब नॉर्थ को मैं आपको चार पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहला 1000 से 2000 मीटर्स की रेंज में, ठीक है, यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन अलग है, ठीक है। ये कौन सा रीजन हो गया? वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड वाला, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड वाला। यहाँ पे आपको ओक, चेस्टनट, ये सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर 1500 से 1750 मीटर की जो हाइट है वहाँ पे, यहाँ पे आपको चेर पाइन देखने को मिलेगा, ठीक है, देवदार देखने को मिलेगा, चिनार, वॉलनट, ये सारी पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके ऊपर है 2225 से लेके 3048 मीटर्स की हाइट तक, यहाँ पे आपको ब्लू पाइन, डूस, ये सारे देखने को मिलेंगे। इसके हाई रेंजेस में जैसे ही आप जाओगे तो अल्पाइन रीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो अल्पाइन रीजन वाले जो पेड़ होते हैं आपको वो देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट आपको, सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? वेस्टर्न घाट, विंध्यास और नीलगिरीज के रीजन में, नीलगिरीज के रीजन में देखने को मिलता है। टेम्परेट फॉरेस्ट को शोला कहा जाता है, टेम्परेट फॉरेस्ट को शोला कहा जाता है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी हिल्स के रीजन, ठीक है, इसको शोला फॉरेस्ट कहा जाता है, इन नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी हिल्स के रीजन, ठीक है।
नेक्स्ट इज योर टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट आपको कोस्टल रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली आपको कोस्टल रीजन में देखने को मिलेगा, कोस्टल रीजन। यहाँ पे जो प्लांट है, ठीक है, ये यहाँ पे आपके को सॉल्ट टॉरेंट प्लांट स्पीशीज देखने को मिलेगी, सॉल्ट टॉरेंट प्लांट स्पीशीज देखने को मिलेगी, ठीक है। मैनग्रोव्स वगैरह यहाँ पे बड़े फेमस क्या कहते हैं स्पीशीज हैं, प्लांट स्पीशीज हैं, वो देखने को मिलती है। मैनग्रोव्स की एक और इम्पोर्टेंस है, मैनग्रोव्स को कोस्टल एरियाज पे लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि मैनग्रोव्स जो है ये आपका सॉइल इरोजन, कोस्टल एरिया पे सॉइल इरोजन होने से रोकता है, और ये समंदर के पानी को लैंड की तरफ आने से रोकता है। इस वजह से कई जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो प्रमोट करते हैं मैनग्रोव्स को, एक कल्टीवेशन को। अगला हमारा सेमी डेजर्ट वेजिटेशन या थॉर्न फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं, ये आपको साउथ वेस्ट पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, इसके साथ साथ एमपी और यूपी के कुछ हिंटरलैंड रीजन में आपको इस टाइप का वेजिटेशन, इस टाइप के फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। थॉर्न फॉरेस्ट बहुत ही कम रेनफॉल, यहाँ पे जहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से लेस होती है वहाँ पे आपको ये इस टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे कौन सी स्पीशीज ग्रो होती हैं? बबूल, बेर, वाइल्ड डेट, खैर, नीम, खेजड़ी, ये सारी स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आप बताना कि लेक्चर कैसा लगा आपको। इसमें अभी आपका क्लाइमेट वाला एक पोर्शन बचा है, जो अगला जो ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर आएगा उसमें कवर हो जाएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू।